الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جزاك الله बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबह को सितारों से कयादत छीन लेता है, कभी कश्ती बचा लेता है तूफानों के नरगों से, कभी साहिल पे तैराकों से हिम्मत छीन लेता है। करीने सीख लो उसकी जमी पे चलने फिरने के, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अदब का सेंस बड़ा अच्छा है, आप शेर को समझ गए, जोरदार ताली बजाई माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि आप जो शौकत भाई के साथ आपने कमिटमेंट किया है कि आप डिसिप्लिन बरकरार रखेंगे शाम तक, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन बरकरार रखेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। मैं बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए जल्द से जल्द असल कार्रवाई की तरफ आता हूं। अजीज बच्चों, तंजीम वालिदैन कल्याण यूनिट की यह रिवायत बन चुका है, तंजीम वालिदैन तकरीबन पिछले 25 सालों से कल्याण में जो है तालीमी मैदान में कारहाए नुमाया अंजाम दे रही है और बहुत सारी सरगर्मियों में की एक कड़ी मॉडरेशन का प्रोग्राम है जो हर साल न सिर्फ कल्याण बल्कि कल्याण के अतराफ व अकनाफ से बहुत सारी स्कूलों से हर साल तकरीबन 500 बच्चे जो है यहाँ पर जमा होते हैं और उनके लिए ये मॉडरेशन का प्रोग्राम जिसमें चार अहम मजामीन अंग्रेजी अलजिब्रा ज्योमेट्री और मराठी, इन चार अहम मजामीन के मॉडरेशन के ताल्लुक से और इन मजामीन के ताल्लुक से आपको बहुत ही मुफीद मालूमात दी जाती है। आज आप उसी सिलसिले में यहाँ जमा हुए हैं। मैं तंजीम के एक मुख्तसर सा तारुफ दूंगा क्योंकि प्रोग्राम हमारा बहुत लेट हो चुका है। तंजीम वालदैन जो है कल्याण में पिछले 25 सालों से तालीमी मैदान में बहुत ही अहम काम अंजाम दे रही है जिसमें सातवीं जमात से लेकर दसवीं जमात तक कोचिंग क्लासेस वो चलाती है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल कोर्सेस पिछले चंद सालों में चलाए गए, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर वो फिलहाल बंद हो चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो भी प्रोग्राम का दोबारा शुरुआत होगी। तंजीम के जिम्मेदारान जिसमें सदर अतर फालके से लेकर शौकत भाई, नूरुल अमीन सर, आदिल सर और एक पूरी लंबी टीम है हमारी जो फी सबीलिल्लाह ये काम अंजाम दे रही है। और हमारी तंजीम वालदैन में पढ़ने वाले उर्दू मीडियम के तुलबा जो है आगे आला तालीम हासिल करने के बाद बहुत अच्छी जगहों पर अपने जॉब्स कर रहे हैं, अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शौकत भाई को आवाज़ दूंगा कि वो आए और तंजीम के ताल्लुक से और उनके तरफ जो जिम्मेदारी है वो उसको निभाए, फिर मैं आज के इंग्लिश के मॉडरेटर हमारे हशमत सर का मुख्तसर सा तारुफ दूंगा और हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। शौकत भाई। अस्सलामु अलैकुम। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हम प्रोग्राम को शॉर्ट में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मिसबा सर की खिदमत में गुलपोशी कर रहे हैं। मैं सकीना खान को दरख्वास्त करूँगा कि मिसबा सर को गुलपोशी कीजिए। इसके बाद हमारे तंजीम के इंग्लिश के लेक्चरर
और हमारे बोलेंगे तो हमारे यूनिट के अभी फ़िलहाल तंजीम वालिदैन के मेंबर भी है मिस्टर अब्दुल्ला सर, उनकी खिदमत में भी गुल पोश किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम पाक से होने जा रहा है, तो आज की इस बाबरकत महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से होने जा रहा है। मैं शकीला, इस नाम की बच्ची शकीला, सकीना खान, इस बच्ची को आवाज देता हूं कि वो तिलावत कलाम पाक पेश करें। सकीना, चलिए अब असल कार्रवाई की तरफ आते हैं। जैसा कि शेड्यूल आपके हाथ में पॉम्फलेट हो गए, आपको मिल चुके हैं कि हमारा सबसे पहला लेक्चर जो है अहम मजमून अंग्रेज़ी इस सब्जेक्ट का होगा, और इसके लिए हमारे मेहमान जनाब हशमत शेख साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं मुख्तसर तारुफ उनका दूं कि मौसूफ जो है TMC थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में पिछले काफ़ी अरसे से दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। स्कूल नंबर 11 है आपका। आप जो है पिछले 5-6 सालों से तंजीम वालदेन के मॉडरेशन के इस लेक्चर में लेक्चर दे रहे हैं हमको, और इंग्लिश से हमको मुस्तफीज कर रहे हैं। इसके अलावा एक ख़ास बात सर की जो है, सर ने एक वर्कबुक भी अपनी एक किताबी शक्ल में निकाली है जो इंग्लिश ग्रामर के ताल्लुक से है, और वो माशाल्लाह तुलबा में काफ़ी पॉपुलर है, मकबूल है, आप उसका उससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। सर इंग्लिश मजमून के एक अच्छे टीचर तो है ही, साथ में पिछले 5-7 सालों से तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन सर मॉडरेटर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं इस बात पे इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम देने के बाद पहले आपके पेपर जो है एग्जामिनर चेक करते हैं, उसके बाद मॉडरेटर चेक करता है, यानी एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। तो सर को मॉडरेशन का काफ़ी तजुर्बा है, और उस तजुर्बे से ही वो आपको आज इस लेक्चर में ये बताएंगे कि बच्चे जो है कौन सी मामूली मिस्टेक्स करते हैं जिसकी बिना पर उनके मार्क्स कट होते हैं। तो मजीद और कुछ सर के बारे में, तो और एक लंबी लिस्ट है मेरे पास जो मैं उनके ताल्लुक से बयान कर सकता हूँ, लेकिन अभी वक्त की नज़ाकत है। मैं शौकत भाई से गुजारिश करूँगा जो तंजीम के ज़िम्मेदार हैं कि वो हशमत सर के खिदमत में गुलाहे अकीदत पेश करें। हशमत सर की नज़र एक शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी खिदमत जो है हम ले रहे तंजीम के लिए, तो मैं सर के लिए 4 लाइन पेश करना चाहता हूँ कि तुझे नसीब हो इतना उरूज दुनिया में, तुझे नसीब हो इतना उरूज दुनिया में कि आसमां भी तेरी रफ़अतों पे नाज करे, तू है वो शम करे फ़ख्र अंजुमन जिस पर खुदा पाक तेरी उम्र को दराज करे, खुदा पाक तेरी उम्र को दराज करे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। फिर एक बार मैं आपसे वादा लेना चाहूँगा कि आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे, आप जितना खामोश रहेंगे। आपके हशमत सर के बारे में जो तारीफ़ की है, मतलब उसमें उन्होंने जो जुमले ऐड किए हैं, मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड कर देना चाहता हूँ। हशमत सर का नाम जो है हमको, मुझे बहुत बाइज्जत से लेना चाहिए, क्यों जो नाम इनका है वो बोलते ना, क्या बोले एक शेर है ना, हम तो अभी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, शायद हशमत सर को अच्छा लगे, क्यों हशमत सर जो है मेरे जो नाम है हमारे वालिद साहब का नाम है और वही हशमत सर का नाम है, तो मुझे बहुत एहतराम के साथ हशमत सर का हमने स्वागत किया है। उसमें मैं सिर्फ थोड़े से जुमले और ऐड कर देना चाहता हूँ। मिसबा सर ने जो बताया है कि अगर आपका इनका प्रोग्राम आप ध्यान से सुनेंगे तो हमारा इंग्लिश का पेपर 80 नंबर का होता है इंशाल्लाह, तो 80 नंबर से 20 से 30 नंबर आपके पॉकेट में अभी हशमत सर आपकी जेब में रख देंगे। बहरहाल उसकी शर्त यह है कि आपको डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए, और हशमत सर जहाँ भी आपको बोलते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझ जाना कि वो एग्ज़ाम में आएगा, ये हशमत सर का टैक्ट है, ठीक है। सेकंड थिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिसबा सर आप लोग जहाँ बोर हो जाते हैं तो मिसबा सर आपको चुटकुले और जोक सुना के आपको रिफ्रेशमेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह हशमत सर की खासियत ये है कि हशमत सर
आप लोगों से क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने क्वेश्चंस का अच्छा जवाब दिए तो हशमत सर आपको स्टेज पे बुला के आपको गुलपोशी करेंगे, आपको फूलों से नवाजेंगे, आपकी हौसला अफजाई करेंगे। तो हर एक कोशिश कीजिए कि स्टेज पे आने के लिए। इंशाल्लाह आपने सुने, वापस मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह मैंने फर्स्ट डे बोला था आपको डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए। अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किए तो बॉयज़ रहने दो या गर्ल्स रहने दो, हम प्रोग्राम से बाहर कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वापस आप बोलिए इंशाल्लाह के इसका मुजाहरा करेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहली चीज़ तो लेक्चर शुरू करने से पहले सर ने कहा कि उनके वालिद साहब का नाम हशमत है और मेरे वालिद साहब का नाम शौकत है, तो बहरहाल ये एक अच्छा कनेक्शन है, एक अच्छी सोच है। शायद मेरे वालिद मोहतरम ने और सर के वालिद मोहतरम ने कुछ सोचे होंगे, बट शेक्सपियर्स कुछ और ही कहता है। शेक्सपियर्स कहता है व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नाउ आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर इंपॉर्टेंट टाइम फॉर स्टार्टिंग माई लेक्चर। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, बहुत अच्छे से और बहुत इत्मीनान से और बहुत कॉन्फिडेंस से कहना चाहूंगा कि यहां पर जितने भी बच्चे बैठे हुए अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन 480 स्टूडेंट्स इस हॉल में बैठे हुए हैं, 480। और ये जो 480 बच्चे बैठे हुए हैं इनमें से इंग्लिश के पेपर में एक भी फेल होने वाला नहीं है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में मैं कह रहा हूं। आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि 20 मार्क्स के मालिक तो आप लोग अभी से हो, सिर्फ हमको झगड़ा करना है 15 मार्क्स के लिए। और अपने दिल पर हाथ रखकर बात कर लो आप लोग, क्या आप लोग 80 मार्क्स के पेपर में से 15 नहीं ले सकते हो, 15 नहीं बल्कि उसको उल्टा कर दो भी ले सकते हो, लेकिन नहीं, ये दिल मांगे मोर, हमको और चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे, एंड फॉर दैट थिंग आई एम हेयर, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, दैट इज द मेन मोटो बिहाइंड दैट। बट फॉर दिस यू शुड प्लान योर एक्टिविटी शीट प्रॉपरली। जब तक आप लोग प्लानिंग नहीं करोगे जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बेटर प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश एक्टिविटी शीट। अगर बात हम लोग इंग्लिश एक्टिविटी शीट की करते हैं तो आप लोगों को पता है कि 80 मार्क्स का पेपर आप लोगों के हाथ में है। अब बहुत से बच्चे इतना अच्छे से लिखते हैं, इतना अच्छे से लिखते हैं कि उसके बाद में उनका पेपर ही छूट जाता है। आने के बाद में पता ही चलता है कि भैया 60 मार्क का पेपर लिखे, 70 मार्क का पेपर लिखे, लेकिन बहुत से बच्चे सर क्या होता है 80 मार्क्स का पेपर नहीं करते। लेकिन हमको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, लेकिन कैसे, उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। और प्लान करने के लिए सबसे पहली चीज आप लोगों को पता है कि आपका जो है पहला जो क्वेश्चन होता है लैंग्वेज स्टडी होता है, दूसरा जो होता है सीन पैसेज होता है, तीसरा जो होता है पोयम होता है, चौथा जो होता है आप लोगों का वो अनसीन पैसेज होता है, और कहानी में ट्विस्ट जो आता है वो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, वो होता है राइटिंग स्किल का पार्ट, दैट इज लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग या स्पीच राइटिंग। और उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। और उसी के अंदर जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है न्यूज रिपोर्ट राइटिंग या स्टोरी राइटिंग, और आखिरी में आपका जाना पहचाना क्वेश्चन जो होता है ट्रांसलेशन। लेकिन ये पेपर तो आपको याद है, पता है आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, लेकिन आपको जो चीज देना है वो इंपॉर्टेंट चीज जो है ये टाइम मैनेजमेंट है। यानी कि आपका
क्वेश्चन नंबर एक लैंग्वेज स्टडी 15 मिनट में खत्म होना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है आप 15 मिनट नहीं बल्कि इस क्वेश्चन को आप लोग 10 मिनट में खत्म कर लेते हो। मैं तो 15 मिनट दिया हूं, लेकिन आप कितने मिनट में खत्म कर लेते हो? 10 में कर लेते हो। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको यहां पर भी प्लान करना है। अब कैसे प्लान करना है ये चीज हम लोगों को देखना है। ये तमाम चीजें याद रखो आप, 15 मिनट इसको, 15 मिनट एक पैसेज को, 15 मिनट दूसरे पैसेज को, पोयम 18 मिनट में खत्म होना चाहिए। ये बाहर का पैसेज होता है, इसके लिए हमने इसको 20 मिनट दिया, समरी राइटिंग के लिए 15 मिनट दिया। उसी के साथ साथ जब हम लोग आगे बढ़े, लेटर के लिए 15 मिनट, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए 15 मिनट, न्यूज रिपोर्ट के लिए 15 मिनट और ट्रांसलेशन के लिए 7 मिनट, तो भी आपके पास में 15 मिनट बढ़ जाएगी। ये एक आप लोग सेंटर थीम या आइडिया बना के रख लीजिए कि आप हर क्वेश्चन को सिर्फ कितना मिनट दोगे? 15 मिनट। और जैसे आप 15 मिनट दिए, आपका पूरा का पूरा पेपर अपने तौर पर सॉल्व हो जाएगा, और वो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व होने के बाद आपके पास में जो है फिर भी आपके पेपर को चेक करने के लिए 15 मिनट बढ़ जाएगी। लेकिन आपको इसके लिए करना क्या है? जो तंजीमें वालिदैन ने आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए हैं, ईमानदारी के साथ 3 घंटे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कंटिन्यूस बैठकर, कभी 1 घंटा कभी आधा घंटा, इस तरीके से आप आपका शेड्यूल बनाओ और पेपर को सॉल्व करो। 5-10 रुपए खर्चा करो आप लोग, सप्लीमेंट मंगवाओ, और सप्लीमेंट मंगवाने के बाद में उस पर प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है पेपर। ठीक है, ये तो छोटी सी बात थी, प्लानिंग की बात थी, 15 मिनट आप लोगों को समझना है। जब बात आती है लैंग्वेज स्टडी की क्वेश्चंस की, तो आपको पता है कि उसके अंदर आपको दिए जाते हैं 6 क्वेश्चन, देयर आर 6 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेंड ओनली 4। अब क्या करना है, कैसे करना है? पेपर आपका है, प्लानिंग आपका है, फैसला आपका है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। लिखना आपको है, प्रेजेंटेशन आपका है। अब यहां पर फैसला करना है आपको कि 1, 2, 3 जो भी होता है यह आपको डिसाइड करना है। पहला जो होता है क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मिसिंग अल्फाबेट होता है। क्या होता है? इसके अंदर एक चीज याद रखना है आपको, कैरेक्टर 6 से लेकर 10 बस इतने ही अल्फाबेट वाला वर्ड आएगा। कितने वर्ड आएंगे? 4। इसके अंदर भी आप लोगों को ध्यान ये रखना है बेटा, इसमें तकरीबन 80% वर्ड, कितने परसेंट लोग? 80% इसके अंदर वॉवेल लेटर आने के चांसेस होते हैं। कौन से लेटर? देखो यहां पर हमने देखे, यहां पर क्या आया? कौन सा लेटर है? वॉवेल लेटर। आप बोलेंगे वॉवेल लेटर कौन से लेटर, वो आपको पता है, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस ऑन दैट टॉपिक, है ना। उसी के साथ साथ हम्बल, मैंने ये आपके सामने दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को करना है। जब हम लोग आगे चलते हैं तो आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये आपको अच्छे से आता है, ये भी पहली क्लास के बच्चों का काम है, ये भी आप लोग आसानी से कर लोगे। पहला जो होता है अलग अलग अल्फाबेट वाला होता है, और दूसरा जो होता है सेम अल्फाबेट से शुरू होने वाला अल्फाज होता है, जैसे कि बी 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 बी, और यहां पर था अलग अलग अल्फाबेट वाला, तो ये भी आप लोग अच्छे से कर लोगे। इसके लिए करना क्या है, बहुत टाइम वेस्ट होता है टाइम आप लोग ए बी सी डी, क्या करने का, जैसी आपके पास में आंसर शीट आएगी आप लोग पेंसिल से धीमे हाथ से आखिरी पेज पे चले जाना और ए बी सी डी लिख देना, धर 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 धर, बाद में रबर से बिठा देना ए बी सी, तो आपको जो है आपका टाइम बच जाएगा, आपको पता चलेगा कि ए का है, बी का है, सी का है। और इसके अंदर जो रहेगा पहला वर्ड को छोड़ देने का, क्योंकि बी सब में कॉमन है, तो फिर हमको अगला वर्ड देखना पड़ेगा, अगला भी वर्ड सेम मिला तो नेक्स्ट वर्ड देखना पड़ेगा। लेकिन पेपर के अंदर पहले ही अल्फाज आपको अलग मिलेगा, सेम मिलेगा, बाकी सब अलग अलग मिलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है। अगला जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर वो होता है पंक्चुएशन वाला, इसको करने की जरूरत, जब करने की जरूरत नहीं तो इसको पढ़कर कोई फायदा है क्या? कोई फायदा है? अगर आप लोग पढ़ोगे इसको तो आपका एक मिनट वेस्ट होगा। कितना मिनट वेस्ट होगा? पढ़ने में एक मिनट और सोचने के अंदर आधा मिनट, और ये तमाम प्रोसीजर के अंदर आपके दो मिनट चले जाएंगे। तो क्यों टाइम वेस्ट करने का? जब हमको सॉल्व ही नहीं करना है तो क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगला जो होता है वो क्वेश्चन होता है आप लोगों का नया अल्फाज बनाने के लिए। कौन सा अल्फाज बनाने के लिए? न्यू अल्फाज। अब यहां पर दिया हुआ रहेगा, ये होता है कंपाउंड वर्ड, दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। इंटरनेशनल, बैच मार्क, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, टाइम बॉन्डेड। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आप लोगों को खुद बता देता है कि भैया दो अल्फाज तो मैं आपको रेडीमेड दे रहा हूं। जैसे कि यहां पर ग्रैंड, दो अल्फाज बन गए। अब लफड़ा कितने का है? आप लोग बना सकते हो यार कि नहीं बना सकते हो? यानी ये भी फुकट के मार्क्स है। दो 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 कितना हो गया? छह। अब हमारे पास में बचा है ऑप्शन। ऑप्शन ये बचा है, एक तो हमको रिलेटेड वर्ड लिखना है। अब रिलेटेड वर्ड लिखने के लिए भी रब ने जोड़ी बना दी। क्या बना दिए? रब ने जोड़ी बना दी। अब रब ने जोड़ी बनाई इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर नाउन पूछा है, यहां पर क्या पूछा है, तो यहां पर हमेशा क्या पूछेगा? बन गई। अब एडजेक्टिव। अब कभी कभी क्या होता है, आप लोग कंफ्यूजन और आप लोग टेंशन में क्या आते हो, अगर वहां पर पूछ लिया हॉस्पिटल और आपको पूछ लिया गया कि भैया आपको जो है रिलेटेड वर्ड लिखना है, तो हॉस्पिटल जैसे आप देखते हो तो आप लोग जहन में लाते हो नर्स, डॉक्टर, इंजेक्शन, एम्बुलेंस, आईसीयू, है ना, इस तरीके से। नहीं, यहां पर आपको वो पूछेगा एडजेक्टिव। वहां पर हॉस्पिटल पूछा तो वहां पर वो पूछ सकता है बिग, क्या पूछ सकता है? तो आपको ये पेशेंट, डॉक्टर वगैरह नहीं लिखना है बल्कि एडजेक्टिव लिखना है। इसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या पता है आपको? आपको कम से कम छह एडजेक्टिव पता रहना चाहिए। कितने? छह। अब सच्ची बोलो, छह एडजेक्टिव पता है आपको? हाँ। अब ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ड जिसके आखिरी में फूल आए वो एडजेक्टिव होता है, जिसके आखिरी में ओ यू एस आए एडजेक्टिव होता है। अजी ये छोड़िए, छोड़ दीजिए, जिसके आखिरी में ई आर एल ई एस टी लगता है वो सब एडजेक्टिव है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, कूल, कूलर बना सकते हैं, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, कितने एडजेक्टिव तो पता है बेटा आपको। मैं तो सिर्फ कितने याद करने का बोल रहा हूं, छह हम लोग देख लेते हैं, है ना, गुजराती वाला खेल छो नहीं, ओनली सिक्स, ठीक है। अब यहां पर, यहां पर अगर वर्ब पूछा है, क्या पूछा है, तो यहां पर हमेशा वो एडवर्ब पूछेगा। क्या पूछेगा? अब एडवर्ब जब पूछेगा तो आपको छह एडवर्ब पता रहना चाहिए। अब एडवर्ब याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा वर्ड 90%। कितना परसेंट? नहीं आई यार आवाज, वेरी गुड, ये मुझे चाहिए। आप लोग वड़ा पाव खाए, समोसा भी खाए तो आपको तो एनर्जी मिलना चाहिए, ठीक है। तो साहब जी, ऐसा वर्ड जिसके आखिरी में एलवा आया है, क्या है वो? क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो कितने एडवर्ब मालूम रहना चाहिए? क्योंकि चार लिखना है तो अपन एडवांस पकड़ के चलते हैं। अब एलवाई वाले वर्ड कौन से है? स्वीटली, स्लोली, है ना, जो भी है, जो भी, जो भी, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। मैं छह बोला हूं, आप दस भी लिख सकते हो। तो ये भी फुकट के मार्क्स है। कितने हो गए? आठ मिल गए, आठ। अब आपके पास में ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बचता है कि आपको अंताक्षरी खेलना है क्या? लेकिन अंताक्षरी वाली अंताक्षरी नहीं, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके अपना खुद का नाम, वो नहीं करना है, बल्कि हमको अल्फाबेट की अंताक्षरी खेलना है। अल्फाबेट ए फोर वाला मामला रहता है। अब ये होता है आपके सामने आया है,
आया। कौन आया? वो आप लोग इलेक्शन की परेड वाले तो नहीं बोलते ना, शेर आया शेर आया। चलो देखो इधर, एक बात याद रखो आप लोग, जो अच्छा सुनता है वो हमेशा अकलमंद होता है, और जो सुनता नहीं है सिर्फ बोलता है वो हमेशा बेवकूफ होता है। बड़े प्यारी किसी की कहावत है, मुझे नहीं पता किसी की है, कि सोना कभी बचता नहीं, सोना कभी और पीतल करे झनकार, ज्ञानी कभी बोलता नहीं और बकबक करे गवार। नहीं बेटा वाह वाह नहीं, फिर वाह वाह गलत मुशायरा थोड़ी ना है, है ना? फिर वही वाह वाह वाला मामला ऐसा है कि शेर कहने वाले को शायर कहते हैं और वाह वाह कहने वाले को फटावा टायर कहते हैं। चलिए देखिए इधर, तो आपको ना शायर बनना है ना टायर बनना है। इधर देखिए, टॉपिक पर आता हूं, जब बात होती है बेटा वर्ड चयन की तो आपको डिसाइड करना है रिलेटेड वर्ड करना है या वर्ड चयन करना है, लेकिन वर्ड चयन के अंदर आपको कंडीशन पता रहना चाहिए। कंडीशन ये पता रहना चाहिए कि आपको यहां पर पूछा क्या है, नाउ, क्या पूछा है, अगला वो पूछ सकता है वर्ब, अगला वो पूछ सकता है एडजेक्टिव, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपके पास में नॉलेज होना चाहिए ए से लेकर जेड तक का अंताक्षरी, जिस तरीके से आपको गाने आते हैं ना, अगर आ से बोले तो आप गालोगे ए से, बी से बोले तो गालोगे, सी से बोलोगे तो गालोगे, जेड से बोलेंगे तो गालोगे, उसी तरीके से आपके पास में ए से लेकर जेड तक का अंताक्षरी यानी कि वर्ड आपके पास में रहना चाहिए, एडजेक्टिव की भी, वर्ब की भी और नाउन की भी। अब नाउन का तो बहुत आसान है, अगर पेपर में नाउन का अगर आपको पूछ लिया गया कि आपको जो है नाउन का लिखना है तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ए फोर जेड फोर हो गया, समझ में आ गया, तो नाउन का पिक्चर क्लोज हो गया, लिख लो मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट जो होता है इसके अंदर वो होता है वर्ब। अब ये वर्ब होते क्या, काम, नहीं 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 ठीक है काम होते हैं मैं मान लूंगा, लेकिन मैं उसको और भी शॉर्टकट तरीके से बोलता हूं, ऐसा वर्ड जिसके अंदर ना आता है, क्या आता है, जिसको बोलने के बाद में क्या आता है, बोल, चल, उठ, बैठ, खा, पी, नाच, ये सब क्या है, वर्ब, क्या है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं सुल्ताना, शबाना, अफसाना, रुक जाना, ये वर्ब, ये किसी के क्या है, तो बोलेंगे हशमत सर ने बोले हैं जिसके आखिरी में ना होता है वो वर्ब है, ये नाम वाला बोले मेरा नाम वर्ब है, बोले शबाना तो बोले वर्ब नहीं, got it, समझ में आया। और इसके लिए आप लोगों को एक चीज देखना पड़ेगा, वो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या होती है, मैं नेक्स्ट उसके अंदर स्लाइड में बताता हूं आपको कि क्या वो चीज है, कि किस तरीके से एडजेक्टिव को, किस तरीके से नाउन को पहचाना जाता है। लेकिन ये इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर एक का भी, यहां पर भी दो ऑप्शन होते हैं, एड अ क्लाउज या यूजिंग ऑफ फ्रेज या प्रीफिक्स सफिक्स या सेंटेंस, है ना? तो अभी से डिसाइड करना है आपको कि हम करने वाले क्या, ये भी अभी मसला मैं हल कर देता हूं आपका, कि कुछ भी पेपर में पूछा जाए, कुछ भी आए, ये दो मार्क्स आपके खिसे में अभी से आ गए, हाँ हकीकत में आ गए, देखो कैसे आए, यहां पर पूछा गया है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज, कितने मार्क्स के लिए, यहां पर लिखा गया टू विश फॉर और यहां पर एड अ क्लाउज, ये दोनों में से कोई एक करना है और आज ही डिसाइड करना है, आज ही अभी फैसला करके जाना है कि हम करेंगे क्या, ठीक है? उसी के साथ साथ क्या ये आप लोगों के सामने रहा, अब्दुल्ला सर कुछ भी पेपर में पूछा जाए चौक,
यहां पर मैं आ रहा हूं, कोई भी फ्रेज पूछी जाए, आपको करना क्या है, द टीचर आस्क मी, ये अंडर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जो भी पेपर में पूछा जाएगा, चाहे वो टू विश फॉर हो या टू टेक केयर हो, टू पुट फायर इनटू हो, या जो भी आएगा वो खाली जगह में लिख देना, वो खाली जगह में आपको मार्क्स, कॉपी कर लो ये सेंटेंस को, ये कॉपी कर लो सेंटेंस को, ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं बोलू दो मिनट जरा, मैं पीपीटी को थोड़ा दूसरी पीपीटी को सिलेक्ट कर लेता हूं, चलेगा जब तक आप लोग, आप लोगों के पास में जो तंजीमे वालिदैन का पेपर दिया हुआ है, थोड़ा सा इंग्लिश के लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस को देख लो, मैं थोड़ा सा पीपीटी चेंज करता हूं। वो बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन अब शायद दिखाई दे रहा है आपको। अब यहां पर देखो बेटा, द टीचर आस्क मी अंडर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। जो भी पेपर में पूछा जाएगा, जो भी कोई भी फ्रेज आए, आप वो खाली जगह के अंदर वो फ्रेज को क्या कर देना, अपनी बंबई की भाषा में चिपका देना। हो गया, कोई मुश्किल काम, समझ में आया क्या बोला मैंने? ये आपको एक मार्क्स मिल गया, ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत। नेक्स्ट जब आते हैं तो यहां पर होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। क्या होता है? प्रीफिक्स और, तो सफिक्स मैं आपको बताता हूं, उससे पहले प्रीफिक्स देख लेते हैं। पहले क्या देख लेते हैं? अभी यहां पर इंग्लिश के अंदर मोस्ट कॉमन प्रीफिक्स 13 है, कितने हैं? 30। लेकिन ये मैंने अलग अलग कलर में लिखा हूं, ये चार अलग, ये चार अलग और ये चार। अब ये कहानी है, क्या है कहानी, सुनाओ कहानी, देखो क्या है कहानी। पहला वर्ड क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? अगला क्या है? अब इसको याद रखने का तरीका, उनको इन्होंने इम्तिहान में इतराते हुए देखा। पहला वर्ड क्या था? उनको इन्होंने इम्तिहान में इतराते हुए। कितने वर्ड याद हो गए? याद हुआ? अभी चारों के मानी होते हैं नॉट, क्या मानी होते हैं? मैरिड, मैरिड, कंप्लीट, पॉसिबल, रेगुलर। हो गया आपको चार याद हो गए? उनको इन्होंने इम्तिहान में इतराते हुए, चार वर्ड कंप्लीट। अगले चार देखते हैं, आर ई मिस दिस ट्री, है ना? अब वो कहानी को याद रखो, वही कहानी को कंटिन्यू करता हूं, रिटर्न में, काय में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दिस अपॉइंटमेंट पी आर ई पर रोने लगे। रिटर्न में मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस अपॉइंटमेंट पर क्या करने लगे? चार याद हो गए। अब आपको पता है स्टार्ट, स्टार्ट, टेक, अंडरस्टैंडिंग, अपॉइंटेड, लाइक, प्राइमरी, प्री प्राइमरी। हो गया याद। नेक्स्ट चलते हैं वर्बल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? हाँ। वायलेंस, नॉन वायलेंस। अब ये भी कहानी है, नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? अंडरवर्ड की भाषा, ओवर कॉन्फिडेंस, आज से इलीगल काम।
नहीं चलेगा। क्या अंडरवर्ल्ड की भाषा क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस, आज से इलीगल काम। हम लोग है भाई ये पूरे के पूरे 13 अल्फाज देखो। पहला उनको इन्होंने यानी उन इन इन दिखा, याद हुआ? अब ये चारों के चारों जो है नॉट है। री के मानी होते हैं अगन अगेन के, मिस के मानी भी नॉट के होते हैं, डिस के मानी भी नॉट के होते हैं, प्री के मानी होते हैं स्टार्ट के, ये भी नो, अंडर आपको पता है, ओवर ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक अलाइक, स्लीप अस्लीप, रेगुलर इरेगुलर, ऊपर देखे आपने लीगल लिटरेट इलिटरेट, ये होता है प्रीफिक्स। क्या होता है? लेकिन पेपर में पूछ लिया गया गोल्ड, क्या पूछ लिया गया? गोल्ड। अब आपको नहीं आ रहा है तो आपके पास में एग्जामिनर लोगों ने आप लोगों को एक ऑप्शन और दिया है, और वो ऑप्शन दिया है आपको सेंटेंस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए दिया है? बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, बनाना नहीं आ रहा है। पॉसिबल होता है कि इम्पॉसिबल होता है, कंप्लीट होता है कि अनकंप्लीट होता है, नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत। आपके पास में एक और ऑप्शन है सेंटेंस बनाने का, तो सेंटेंस आप लोग बना सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ये लिख सकते हो, आई विल यूज द वर्ड, जो भी आपको पेपर में दिया जाएगा वो खाली जगह में लिख दो इन माय सेंटेंस, या ये लिख सकते हो, आई डोंट वांट टू राइट द वर्ड डैश इन माय बुक, आई वोंट यूज द वर्ड डैश इन माय कम्युनिकेशन। जितने सेंटेंसेस बनाओ आप लोग बना सकते हो, लेकिन ये मार्क्स छूटना, लिख सकते हैं? समझ में आया? खाली जगह में क्या करोगे? समझ में आया? पक्का? मुझे लैंग्वेज स्टडी में 10 में से 10 चाहिए। मिलेंगे? मिलेंगे इंशाल्लाह। बोलो सबके सब, पक्का, एकदम पक्का है ना, मिलना ही चाहिए। और कितने मिनट में होगा? 15 मिनट में या 10 मिनट में? लेकिन आपके पास में घाई करने की जरूरत नहीं है, सुकून से इत्मीनान से। अब मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से, आप लोगों को जवाब लिखने पे मार्क्स मिलता है या क्वेश्चन लिखने पर? तो आप लोग किसी भी किस्म का कोई सवाल लिखोगे ले तो आप लोग लिखते बैठते हो ये वाला, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। क्या जरूरत है? कोई जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है। समझ में आया? सिर्फ आंसर लिखना है, आंसर पे मार्क्स मिलता है, क्वेश्चन या इंस्ट्रक्शन लिखने पे मार्क्स नहीं मिलता। तो आप लोग लिखोगे? Got it? किसी को भी लैंग्वेज स्टडी के ताल्लुक से कुछ पूछना है? एक आधा कोई डाउट? पक्का? एकदम पक्का? देखो आगे बढ़ू, चलेगा? यस। अच्छा लिख रहे हैं, लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिख लो। ये हमारे अब्दुल्ला सर, यही हमारे एनर्जी ड्रिंक है और बूस्टिंग पावर। जहां कहीं भी मैं अटकता हूं वो मुझे पुश कर देते हैं, मैं भागता हुआ आगे चला जाता हूं। तो सबसे पहले अब्दुल्ला सर के लिए ताली बजा दीजिए, मुझे रिसीव करने के लिए, कॉल करने के लिए, पूरा का पूरा एकदम सवेरे से एकदम जैसे घड़े के कांटे ने साथ छुआ सर का कॉल आया, बोले सर कहां पहुंचे, मतलब सर आवत है। हो गया बेटा, आगे चलो, पक्का? ओके। मैं जब भी सवाल करता हूं ना तो आप ऐसा समझना कि मैं पर्सनल आपसे कर रहा हूं। जब पर्सनल कर रहा हूं तो जवाब आपका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कौन बोलेगा क्या होता है? आपका जाना पहचाना आपकी किताब का, आपका जाना पहचाना और आपकी किताब का। अब ये चार सबक आप लोग बहुत अच्छे से करना है। कितने सबक? चार। और वो चार सबक के नाम आपको बता रहा हूं। पहला, इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, जो कभी नहीं बोली, एक ही बार बोली, बहुत खतरनाक बोली, कौन है? भोली।
हो गया, और अ लेसन फ्रॉम बेगर्स लाइफ, ये चार सबक आप लोग बहुत अच्छे से करो। क्यों करोगे? क्योंकि ये बहुत आसान सबक है और इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज बनती है और आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलते हैं आगे। चार बोला मैंने पहला यूनिट में से, क्या? एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, दूसरा द बॉय हु ब्रोक द बैंड, तीसरा भोली, और चौथा अ लेसन फ्रॉम बेगर्स लाइफ। ये चार सबक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। जब भी ऐसा लगे आपको कि बोर हो रहे, मुझे बोल देना, अपन लेक्चर वहीं पर रोक देंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मैं वैसा खाली नहीं रह सकता हूं। एक मर्तबा एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को पूछा कि आप लोग बहुत अच्छे हो बेटा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, और मुझे ईमानदारी बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छा लगता है, आप बताओ आप में से नालायक, आप में से बेवकूफ, आप में से लेजी, आप में से बहुत ज्यादा बेकार कौन है? कोई भी? ओके ओके ओके, ठीक है, पहले सुन लो, पहले सुन लो, वो आपकी खूबी को अच्छे से जानता है। तो बेचारा टीचर खड़े रहा, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, बाद में एक लड़का बहुत देर के बाद में खड़ा हुआ, तो टीचर बोले लगा, शाबाश, वेरी गुड, मुझे ऐसे ईमानदार बच्चे बहुत पसंद है। बोले सर, काफी देर से आप अकेले खड़े थे ना, इसके लिए मैं खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप लोगों को मेरा साथ देना, चाहे फिर वो बेवकूफ क्यों नहीं आपके सामने खड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज टेक्सुअल पैसेज, है ना, और सेक्शन नंबर 2 होता है, तो वो जरूरत नहीं। अब यहां पर पहला जो होता है वो होता है सिंपल फैक्चुअल। अब यहां पर याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो पूछा जाएगा ट्रू और फॉल्स, क्या पूछा जाएगा? हाँ, अब यहां पर एक चीज याद रखना, बहुत से टीचर्स लोग बोलते हैं आपको, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, आपके पास में टाइम है, ठीक है, बोलते हैं पूरा सेंटेंस लिखने का अब्दुल्ला सर, और बाद में ब्रैकेट बनाकर ट्रू और फॉल्स लिखने का। तो मेरा सवाल आप लोगों से, अगर आपने सेंटेंस लिख दिए और ट्रू और फॉल्स नहीं लिखे, मार्क्स मिलेगा क्या? तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रू और फॉल्स मिलने पर मार्क्स मिलने वाला है, तो सेंटेंस लिखने की जरूरत है। तो आप लोग सेंटेंस लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? गॉट इट? उसके बाद में याद रखना, राइट और रॉन्ग पूछा तो राइट और रॉन्ग ही पूछना, एग्री और डिसएग्री पूछा तो एग्री और डिसएग्री, उसके अलावा दूसरा कुछ लिखने की जरूरत। हाँ, और ये बिल्कुल आप लोगों की आसान एक्टिविटी होती है। उसके बाद में जो आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन या अल्टरनेटिव आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, और कंप्लीट द सेंटेंस आता है, या हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, और किसने किससे कहा वो भोली के अंदर है, और द बॉय हु ब्रोक द बैंक के अंदर, इसी के अंदर दो, और द बैगर्स लाइफ वाले के अंदर, ये 3 सबक के अंदर ही जो है हु सेड टू हुम है, बाकी दूसरे कोई सबक में बिल्कुल आपको ज्यादा नजर नहीं आएगा। अब बेटा जितनी भी खाली जगह पूछी जाएगी, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, वो खाली जगह वाला पूरा सेंटेंस लिखने का, पूरा सेंटेंस लिखने का, सिर्फ जवाब लिखने की जरूरत। अब अगला जो होता है वो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल। और एक बात याद रखना, ये भी आसान होता है। इसके अंदर क्या पूछा जाता है? पहला पूछा जाता है वेब, है ना, रामलाल की चारों लड़कियां, मंगला, चंपा, भोली और पता नहीं कौन। उसके बाद चार्ट पूछा जा सकता है, टेबल पूछा जा सकता है, डायग्राम पूछा जा सकता है, एग्री और डिसएग्री पूछा जा सकता है विथ रीजन, डिस्क्राइब, समझ में आया, हुलिया बयान करने के लिए आ सकता है।
उसी के साथ साथ फाइंड द प्रूफ, साबित कीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग और रीजन, या ये भी कभी कभी आता है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर देयर ओकेरेंस, इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या होता है? पाउडर नहीं, ऑर्डर। ठीक है, ये याद रखना। देखो पाउडर का नाम पूछे तो बोले सर व्हाइट टॉन, ठीक है ये याद रहेगा बेटा पक्का। अब अगला जो होता है वो होता है आप लोगों का वोकैबुलरी क्वेश्चंस, ये अल्फाज मानी वाला होता है। यहां पर आप लोगों को एक तो सिमिलर वर्ड, एक तो अपोजिट वर्ड, या तो डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है, जंपिंग मॉन्की, प्रिंटिंग मटेरियल, समझ में आ रहा है, क्राइंग बेबी, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। यानी वो अल्फाज के बाजू वाला जो अल्फाज होता है, एक तो पहले वाला भी हो सकता है, एक तो बाद वाला भी हो सकता है। तो आपको वो अल्फाज जैसे देखोगे ना आप, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसकी जोड़ी रब ने इसके साथ बनाई, समझ जाओगे आप लोग। डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये आपको पोयम में भी आ सकता है, द ट्विंस के अंदर ये है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो चार होता है वो होता है आपका ग्रामर का क्वेश्चन। ये तो इतना आसान है, इसको गिरा गिरा कर मारो। ग्रामर चार आपको आना चाहिए। मेरा नंबर बहुत आसान है, कॉन्टेक्ट नंबर, आप लोग कल्याण के हैं, मुमरा कुछ ज्यादा दूर नहीं है। ये चार ग्रामर आप लोग अच्छे से कर लो, और अगर नहीं आया तो कोई भी आपके मोहल्ले में जो अच्छी अच्छी गालियां देता होगा मुझे कॉल लगा दे, है ना, शायद पहचानते आप लोग। और वो चार ग्रामर है, पहला ग्रामर का नाम है टेंस। पहला क्या है? बिल्कुल आएगा, एक तो बनाने के लिए आएगा, एक तो पहचानने के लिए आएगा, ठीक है। पहला ग्रामर टेंस, दूसरा जो आएगा सेंटेंस। क्या आएगा जी? एक तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन, एक तो एक्सक्लेमेटरी, एक तो एसर्टिव, ये सेंटेंस हुआ। तीसरा जो आएगा वो आनाइच है, जितने भी पेपर आप लोग प्रीवियस उठा के देखो उसके अंदर ये सवाल पूछा ही जाता है, दैट इज एड ए क्वेश्चन टैग, आना ही आना। और लास्ट वाला जो है वो आप लोगों को पूछा जाएगा, दैट इज चेंज द वाइफ, वाइफ नहीं रे बाबा, बोले चेंज द वाइफ, मेरा हाल खराब हुआ है, तुम लोगों का नहीं होना चाहिए। हाँ तो चेंज द वाइफ, फिर ये वाइफ बोला, ओके चेंज द वाइफ। ये चार ग्रामर आपको किसी भी कीमत पर आना चाहिए, और ये पेपर में पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर के? तीन पैसेज में छह, छह, दो दो दो, कितना हुआ? छह में से चार आपको मैंने अभी बता दिया, अब बचा कितना? अब बोलेंगे सर दो का क्या है? दो का ये मामला है कि दो के अंदर आपको यूजेस आना चाहिए बेटा, यूजेस के अंदर भी नॉट ओनली बट आल्सो, यूज, यूज टू, एबल टू, मॉडल ऑक्सिलरी, एज वेल एज, जो भी है, ये थोड़े से यूजेस अगर आप लोगों को आ गए, चेंज द डिग्री वगैरह, लेकिन ये चार चीजें आप लोग करो, बाकी की वो चीजें तो आप 10 साल से पढ़ते हुए आए हो, आप लोग कर लोगे, और बहुत अच्छा भी होता है। कभी कभी आपको ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है कि भैया कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हो गया, समझ में आया मोटी मोटी बात? आगे बढ़ू, फिर सबका जवाब नहीं आया यार, थैंक यू, यही मेरा एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है। अब अगला जो होता है फुकट के मार्क्स, काय के मार्क्स, दैट इज सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चन, है ना, कौन सा होता है? कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, थोड़ा सा रिलेटेड लिख दो, आधा मार्क्स मिलता है, कितना मिलता है? और आधा कितना बन जाता है? और एक, यानी दो में से एक घाटे का सौदा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप लोग लिखेंगे, जब तक नहीं लिखेंगे जब तक मिलने वाला नहीं है। तो कैसा लिखना है, क्या लिखना है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब ये आपका सवाल होता है,
बेस्ड ऑन इमेजिनेशन क्रिएटिविटी एंड नो रिस्पॉन्स कुछ भी। भैया बिरयानी पसंद है, मुझे नहीं पसंद, नहीं पसंद। समोसा खाओगे, बोले हाँ समोसे ही अच्छा है, बड़ा अच्छा नहीं है। अभी मत बोलो, ले तो खिलाएंगे नहीं वो लोग, बाकी पुलाव भी बाकी है अभी। ओके नेक्स्ट, जब बात होती है बेटा इसकी, जब हम लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को पहले तो वर्बल क्वेश्चन पूछता है वो कि भैया डू यू लाइक, तो एक तो ये हा या ना। आधा मार्क्स मिल गया, यानी कितना मार्क्स मिल गया। जब भी वाई पूछेगा, जब भी वाई पूछेगा ये जोड़ी बना देने का, बिकॉज जो लिखना है वो लिखो, लेकिन लिख करो। और आधा आधा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है सेल्फ रिस्पॉन्स के लिए, बिल्कुल आधा आधा पैराग्राफ नहीं। बहुत हो गया, आपका दिल बहुत बोल रहा है, बहुत ज्यादा दिल ललचा रहा है, छह सेंटेंस लिखो। कितने सेंटेंस? अगर चार भी लिखे तो आधे सेंटेंस के लिए, आधे मार्क्स के लिए एक एक सेंटेंस। कितना सेंटेंस? चार। और बहुत ज्यादा दिल बोल रहा है तो कितना? उसके ऊपर नहीं ले तो पता चला सर मैंने तो सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चन ना आधे पेज का लिखा। अरे भैया क्या फायदा, कोई फायदा? कितना सेंटेंस सिर्फ? ज्यादा से ज्यादा और कम से कम? समझ में आया? पक्का? आगे चलूं? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका बी, सेम ऐसी रहता है, सेम ऐसी रहता है, तो आप उसको डील करने की जरूरत। चार ग्रामर कौन से, ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चन कुछ भी लिख कर आना, कुछ भी लिख कर आना है ना, वो कर आना है आपको। समझ में आया? कैसा कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, इतना हाई होना चाहिए जितना एक अंधे का। एक अंधा भर्ती चल रही थी आर्मी की, पहुंचा, बोले सर मुझे भी भर्ती होना है। बोले अरे तू तो अंधा है, तू क्या काम में आएगा? बोले सर अंधा तो फायरिंग के लिए। समझ में आया आपको? जिसको समझा ठीक है, नहीं समझा घर पे समझ ले। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, वो होता है पोयम। कितने मार्क्स के लिए आती है? पहला आसान वही होता है, ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग एग्री और डिसएग्री और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फिलिंग द ब्लैंक्स और कंप्लीट द सेंटेंस। दूसरा जो होता है कंप्लीट द वेब चार्ट टेबल डायग्राम एग्री डिसएग्री रीजन डिस्क्राइब फाइंड द प्रूफ कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सेट्रा। और तीसरा जो होता है इसके अंदर होता है आप लोगों का पोएटिक डिवाइस, एक तो राइम स्कीम, एक तो राइमिंग वर्ड्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये होता है बराबर। अब ये तो आप लोग आसानी से कर लोगे, ये तो आप लोग आसानी से कर लोगे, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा नवनीत के अंदर जो दिया हुआ है पेपर्स वगैरह, जो पेपर सॉल्यूशन होता है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करना, इसके लिए करना, क्योंकि नवनीत जो है गुजराती है और गुजराती लोगों के पास में पैसा रहता है बहुत, और वो लोग एग्जामिनर्स वगैरह को थोड़ा सा पैसा वगैरह प्रोवाइड करते हैं बेटा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकरीबन 30% से 40% उसके पेपर्स वगैरह के अंदर से आने की चांसेस, ऐसा नहीं कि वही आता है लेकिन आने की चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी कुछ ना कुछ आता है। तो आप लोग थोड़ा सा वो मश्की बयास से पेपर सॉल्व करो, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट अगला जो होता है वो होता है आप लोगों का एप्रिसिएशन। ये फुकट के मार्क्स है, और इसको मार्क्स कैसे हासिल करना है वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि आपके इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के अंदर कितनी पोएम्स है, हाथ ऊपर करके एक 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 बच्चा बोलेगा यस। आप आइए बाजी, क्या नाम आपका? आजिए बाजी, कितनी पोएम है? आठ है। बच्चे के लिए क्लैप कीजिए पहले, वेरी गुड, शाबाश। हाँ आठ, लेकिन मैं बोलूं बेटा पांचवें नंबर पे कौन सी है, छठे नंबर पे कौन सी है, आठवें नंबर पे कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर
कुछ भी, लेकिन मैं एक शॉर्टकट बताऊं आपको, पोयम का नाम, आपकी पोयम का नाम है, जरा मेरे साथ मेरी मदद करेंगे आप लोग? पक्का? एकदम पक्का? आगे बढ़ू? मेरे साथ में गिनती पढ़ो जरा, क्या लिखा? नहीं वन है ना यार, ये क्या है? दूसरा? तीसरा? ये? 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 बस। अब आपकी पोयम का नाम मैं लिख रहा हूं, पक्का लिख रहा हूं, आप लोगों को पता रहेगा। ये ए बी वाई, ये आपकी पोयम का नाम है। अब ये बोलेंगे सर आपने क्या लिखे, मैं बता रहा हूं क्या लिखा, मैं बता रहा हूं क्या लिखा। ये है ए बी वाई, अबे क्या लिखा? अबे। तेरी, तेरी। इज्जत संभाल, तो अबे तेरी इज्जत संभाल, तो। ये आपकी पोयम का नाम। अब बोलेंगे कैसा? वो ऐसा, अ टीनेजर पीरियड, बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, द ट्विंस, इफ स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोवी इवनिंग, द वर्ल्ड इज माइन, ओ कैप्टन, ओ कैप्टन। हो गया आपका, ये कितनी पोयम है? आठ। अब ये आपको याद रहना चाहिए। अब बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हो कि सर कौन सी फिगर स्पीच कौन सी पोयम में है ना, बहुत आसान तरीका, वो भी आपको बताता हूं, वो भी आपको बताता हूं, देख लो थोड़ा सा। क्या? किस पे अंडरलाइन किया? किस पर किया? किस पर किया? पक्का? अरे हाँ या नहीं? ये 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 ये, मैं स्क्रीन पे भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, लेकिन आपको समझाना है सिर्फ, मेरा समझाना मकसद है। अब मैंने राउंड किसको किसको बनाया बेटा? तीन पांच, तीन पांच, वो ऑर्डर इवन नंबर। अब मैंने तीन पे बनाया तो आप तीन पे लिखोगे आर ई पी रैप, पांच पर आर ई पी रैप, सात पे आर ई पी रैप, लिख दिए, बाकी सब में ऑल 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 ऑल, और सातवें में एक मरतबा एक ऑल। देखो अच्छे से, तीन में पांच में सात में रैप रैप रैप, बाकी सब में ऑल 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 ऑल, और सातवें में एक मरतबा ऑल। बात समझ में आई? अब टोटल पोयम कितनी है? पक्का? एक से लेकर उसका आधा कितना होता है? पक्का? वेरी गुड। इंडियन है आप, क्या लिखा मैंने यहां पर? मैंने लिख दिया इंडियन चौथे पर है और आखिरी पे लिख दिया आप, इंडियन है आप। एक फिल्म आई थी करीना कपूर की और शाहिद कपूर की, वो फिल्म का नाम था जब वी मेट, के मेट जब वी मीट था, क्या मेट था अब्दुल्ला सर? मेट था, अच्छा ठीक है मेट। कितने अल्फाज हुए जब वी मेट? कितने हुए? मेट की स्पेलिंग भी कितने हैं? तो तीन नंबर पर आते हम लोग, यहां पर हमने लिख दिए, क्या लिख दिए? मेट लिख दिया मेट, और बाकी खाली क्या बचा? पर पर पर। ये आपको पता चल गया कि पहले पोयम के अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन एंड इनवर्शन, दूसरे में क्या है? एलिट्रेशन एंड पर्सनिफिकेशन, और आठवें में है एलिट्रेशन एंड एपोस्ट्रफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, लिख लीजिए, ठीक है? समझ में आया पोयम का नाम क्या है? अबे नहीं ना यार, अच्छे से अबे, और पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। राइमिंग स्कीम की प्रैक्टिस आप लोगों ने कर चुके, अब ये लिख लो पहले दो मिनट में, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैं पानी पी लूंगी जब तक।
पक्का है ना? एक घंटा चले गया यार, मालूम ही नहीं पड़ा आप लोगों के साथ। इतने प्यारे बच्चे, शौकत सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतने प्यारे बच्चों से आपने मुलाकात कराई मेरी, और इसीलिए मैं कल्याण में आता हूँ अब्दुल्ला सर के कहने पर। और यहाँ का पुलाव बहुत अच्छा रहता है, आप भी खाइएगा और ज़रूरत पड़े तो साथ में भी लेके जाइएगा। कैरी बैग वगैरह लाए ना? हाँ, लेकिन शौकत सर एक को भी ज़्यादा देते नहीं। हाँ, अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर सेंटर आइडिया का थोड़ा सा मसला हो जाता है। आप लोग सेंटर आइडिया को छोड़ देते हो, कितने मार्क्स का आता है? दो। इसमें आप लोगों को एक मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। कितना मार्क्स? अब उसके लिए क्या करना है आपको कि मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं वो सेंटेंस थोड़ा सा लिख लेना है। क्या करना है? अब वो सेंटेंस लिख लो आप लोग। है पेन हाथ में? है, बोलो। दिस पोयम इज, दिस पोयम इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या लिख दिए? दिस पोयम इज वेरी ब्यूटीफुल एंड रिटन बाय। एंड बोर्ड पे नहीं भी दिख रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिटन बाय डैश पोएट का नाम लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप। द पोयम डील्स द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। बस इतना लिख दो, अगर आपको अच्छे से याद है आगे तो ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हम लोग इतना भी अगर आप लिख कर लेकर आए तो हम लोग आधा देंगे, आधा कितना बन जाएगा? देखो कितना आसान है, दिस पोयम इज वेरी ब्यूटीफुल, ये तो लिख सकते हैं आप, लिख दिए। एंड रिटन बाय, और किसने लिखी है? पोएट का नाम। द पोयम डील्स द रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बच्चे अल्लाह से दुआ मांगते रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बच्चे माँ से प्यार करते बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, बराबर। द ट्विंस रहेंगे, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? हो गया। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, अगर नहीं करे आपने तो। उसके बाद में क्या है? इफ, ये आपको पता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस। उसी के साथ में स्टॉपिंग बाय वुड, दुनिया बहुत खूबसूरत है। उसी के साथ में द वर्ड इज माइंड, दो पैर दो आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो आप लोगों की जितनी पोयम्स है वो आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। कितने मार्क्स का था? एप्रिसिएशन में किसी के मार्क्स कटेंगे? पक्का? आगे चलू? हाँ, ओके 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 ओके। अब आप लोग जो है इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन इसी तरीके से नहीं लिखना है आपको। आपको क्या करना है, ये तो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया हूं। आप लोगों को एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? और बॉक्स कैसा बनाना है मैं बता रहा हूं आपको। ये हाउ टू राइट पेपर, मैं ये तो समझा रहा हूं आपको, लेकिन आपका पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा साथ साथ वो भी समझा रहा हूं। कि इस तरीके से आप एक बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने के बाद में यहां पर हाशिया बनाकर यहां पर लिख देंगे टाइटल, फिर ये, उसके बाद में पोएट का नाम, फिर राइम स्कीम पूरा लिखना है, उसके बाद में फिगर ऑफ पूरा लिखना है, सेंटर आइडिया। ऐसा बॉक्स बनाकर आप लोग लिखोगे तो आप लोगों का जो है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा।
ठीक है, और अच्छा रहता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है? हाँ वो बच्ची, आप जो पीछे देख रहे, नहीं आपके पीछे, आपके पीछे, हाँ उसको उसको, हाँ वही 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 बेटा वही, खड़े हो जाओ, आप बोलो ना उसको बच्ची। सर बच्चे लोगों को पीछे बैठा दो ना, देखो बच्चे लोग अभी भी आ रहे हैं, उनको उधर ही बैठाओ सर, पूरा डिस्टर्ब करके आते हैं लोग। हाँ हाँ बेटा आप ही वेरी गुड, आप हाँ दो माइक दो। अगला क्वेश्चन क्या होता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है? नहीं 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 उन्हीं को खड़ा करें, उनको पूछने दो जरा। हेलो, हाँ बोलो। नॉट वर्बल टू वर्बल, ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 ये इनका ध्यान है, इसीलिए आपको खड़ा किया मैंने पूरे उसमें से, because you are not paying your attention towards me, that's why I ask you to stand and asking you two questions. Question number 4 belongs to sir Shaukat sir, jisko bolenge wo jawab de, unseen passage, very good, usko kya bola jata hai, taali bajaye bacche ke liye pehle, wah Chokal sir please hand over the rose to him, naam bolo beta aapka pehle, rehmat, kya naam hai, rehmat, rehmat, wah very good rehmat, question number 4 hota hai aap logo ka bahar ka yani unseen non textual passage, किताब के बाहर का पैसेज, कितने मार्क्स के लिए आता है? 15, 10 के लिए नहीं आता है, कितने के लिए आता है? 10 मार्क का कॉम्प्रिहेंशन और 5 मार्क का समरी राइटिंग, बराबर। हाँ अब देखो क्या करना है, आप लोगों को पता है कि सीन पैसेज जैसे सॉल्व करते हैं वैसी अनसीन पैसेज को भी सॉल्व करेंगे, एज इट इज फॉर्मेट होता है A1 से लेकर A5 तक का। अब समरी राइटिंग करते वक्त क्या करना है ये चीज याद रखना, समरी राइटिंग के अंदर 1 मार्क्स के मालिक अभी से आप है, कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के। अब वो 1 मार्क्स कैसा, बस लेकिन ये दिल मांगे हमको और मार्क्स चाहिए, और चाहिए मार्क्स, लेकिन कैसे, हाउ, कैसे तो वो ऐसे, आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहली चीज पैसेज आप लोग अच्छे से पढ़ ही रहे हो क्योंकि आप लोग 5 क्वेश्चन लिख चुके हो, इसका मतलब आप लोग पैसेज पढ़ चुके हो, उसके बाद में सबसे पहले देना है एप्रोप्रिएट या सुटेबल टाइटल ऑफ दैट पैराग्राफ, वो चीज बार 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 रिपीट होती है, आपको समझ में आता है कि इसका टाइटल देना ही पड़ेगा, आप लोग दे दो, है ना भैया, समझ में आया क्या देना है, टाइटल। उसके बाद जब आप लोग जाते हो तो उस पैराग्राफ के सेंटर आइडिया को आप लोगों को ध्यान में रखना है, पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया काय के बारे में पूछा गया, काय के बारे में पूछा गया वही आपका क्या है, सेंटर आइडिया हुआ। उसके बाद में आपको जो लैंग्वेज यूज करना है अच्छे से लैंग्वेज यूज करना है, और आपको बताऊं मैंने ऑन कैमरा बोला, आप लोग यूट्यूब पर हशमत शेख टाइप करोगे तो आपको मेरे लेक्चर्स नजर आ जाएंगे, इसके बाद में जो लेक्चर्स लेने के लिए आने वाले हैं वो हमारे बीच में हमारे वसीम सर आने वाले हैं, खान एकेडमी वाले, अच्छा टीचर है, बहुत एनर्जेटिक है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात 1,00,000 सब्सक्राइबर बन चुके हैं, और उसके चैनल पर मैं भी जाकर लेक्चर लेकर आया हूं, मेरे से छोटा है, मुझे बहुत ज्यादा आइडियल मानता है, बहुत ज्यादा इज्जत करता है, और मैं भी उसको छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करता हूं। तो बहरहाल आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहला काम समरी लिखते वक्त रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, पढ़ चुके,
उसके बाद में अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट आइडियाज को पेंसिल से, जो भी रहेगा इंपॉर्टेंट चीजें जो रहेगी उसको अंडरलाइन कीजिए, उसके साथ में उस अंडरलाइन किए हुए चीजें जो रहेगी उसको आप लोग सीक्वेंस में लगा लीजिए, लॉजिकल आइडियाज में कन्वर्ट कर दीजिए। जितनी भी उसके अंदर एग्जाम्पल दी हुई रही, जितनी भी एग्जाम्पल्स, जितनी भी एलोबरेशन यानी बड़ी बड़ी बातें उस ताल्लुक से रहेगी उसको, और जितने भी रेफरेंस रहेंगे उसको कट कर दो। और एक बात याद रखना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी सेंटेंसेस रहेंगे, क्या बोला मैंने, जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे उसको भी क्या कर देंगे आप, कट कर देंगे। समझ में आया अच्छे से? उसके बाद आप लोग आपकी समरी जो है सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लिखोगे, कितने पैराग्राफ में, उसके एक दो पैराग्राफ बनाने की, ज्यादा पैराग्राफ बनाने की जरूरत। इसके अंदर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ठीक है नहीं भी करें तो चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस चीज का क्या देना है आपको, टाइटल। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो कहा बेटा आप लोगों से, आप लोगों को मैंने कहा कि सबसे पहली चीज पैसेज को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन करना है, उसको अच्छे से लिखना है, जितनी भी एग्जाम्पल रेफरेंसेस एलोबरेशन इन्वर्टेड कॉमा वाले जो सेंटेंसेस रहेंगे उसको क्या कर देना है, आपकी समरी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। आपने टाइटल लिखा आपको एक मार्क्स, आपने पैराग्राफ लिखा उसमें आपको डेढ़ मार्क, एक और डेढ़ ढाई, ढाई बिकम पांच में से तीन घाटे का सौदा, ये फुकट के मार्क्स है। एप्रिसिएशन और समरी राइटिंग ये 10 मार्क्स आपके पेपर में फुकट के, पूरा पेपर सॉल्व मत करना लेकिन समरी लिखकर जरूर आना, ऐसे करेंगे ना पक्का। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी को आई थिंक सो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब अगला जो आएगा कहानी में ट्विस्ट, दैट इज राइटिंग स्किल पार्ट। क्या होता है, क्या होता है, पक्का? कितने लेटर आते हैं, कौन कौन से, डिसाइड कर लिए, क्या करने वाले हो, फॉर्मल या आपकी टीचर्स लोगों ने आपको फॉर्मेट दे दिए, आपने याद कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं किए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों बाप बेटे हम लोग हैं साथ में, हशमत और शौकत, शौकत और हशमत, ठीक है। पहली चीज देखते हैं क्या, ये देखो बेटा, ये आप लोगों को जो है 20 मार्क्स मिल गए, अभी तक सिर्फ 43 मार्क्स का पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया। मैंने यहां पर देखो कितना कम आप लोगों को, मैंने पहले बोला कि कोई भी फेल होने वाला नहीं। मैंने बोला आप लोगों को कि 8 मार्क्स का लैंग्वेज स्टडी, 2 मार्क्स का दूसरा, ऐसे मिला के 10 मार्क्स का मैंने लिखा, उसमें लैंग्वेज स्टडी में 4 मार्क्स और बी के अंदर 1 मार्क्स, बल्कि हमको कितने मिलने वाले, 10 में से 10 में से 10 मिलेगा ना, कि कब मिलेगा, ये मैंने पकड़ा 5, 6, 5, 4 ऐसे मिलाकर 20, लेकिन नहीं ना बेटा हम लोगों को मिलने वाले इसमें 10, यहाँ पर मैंने कम पकड़ा हूँ तो भी ज़्यादा मिलने वाला है, यहाँ पर एप्रिसिएशन में देखो 3 ही पकड़ा हूँ मैंने, 5 में से ये 3 ऐसे मिलाकर 5, और यहाँ पर समरी राइटिंग के अंदर सिर्फ एक ही पकड़ा हूँ, बल्कि कितने मिलने वाले हमको, ये 20 नहीं, हम लोगों ने सिर्फ 43 मार्क्स का पेपर लिखे, 20 मार्क्स आपको मिला, 20 मार्क्स आपके टीचर ने दिया, कितने हो गए 20 और 20, इंग्लिश के पेपर में हम लोग क्या हो गए, पास हो गए। लेकिन पास नहीं होना है, ये दिल मांगे क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। और एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, उर्दू से ज्यादा आसान पेपर इंग्लिश का होता है, आप लोगों की खुद की लैंग्वेज हो गई है इंग्लिश, व्हाट्सएप काय में चलाते हो, मैसेज काय में टाइप करते हो, भैया इंग्लिश है, सॉरी एक्सक्यूज मी थैंक यू क्या है, इंग्लिश ही है यार, उर्दू थोड़ा मुश्किल होता है इंग्लिश का पेपर। और एक बात, जो इंग्लिश के पेपर में फेल होता है उसको पढ़ने का हक, गलत बोला, हाँ। अब अगला क्वेश्चन,
होता है लेटर राइटिंग का, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पर बहुत समझदारी का मुजाहरा करना है आपको। कैसा करना है? सबसे पहली चीज, 90% आप लोगों को पेपर में एड्रेस दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? और एड्रेस जब दिया हुआ रहता है तो एड्रेस के 6 कंपोनेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 कंपोनेंट आप लोगों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एड्रेस पर आधा मार्क्स होता है, एड्रेस लिखने पर आधा मार्क्स, आधा मार्क्स। नेम जो भी दिया हुआ रहेगा वो लिखना है, बिल्डिंग का नाम, फ्लोर नंबर या ब्लॉक नंबर बोल सकते हैं, रोड का अगर नाम दिया हुआ है तो रोड का नाम, एरिया अगर दिया हुआ तो एरिया विद पिन कोड और बाद में डेट। अब ये रहेगा आपका सैल्यूटेशन, ये देखो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन गई हुई है, दिख रही है आपको ये लाइन? सैल्यूटेशन यानी स्टार्टिंग वर्ड, माय डियर सोना तुम्हें कभी नहीं खोना, पकड़ लो एक कोना, ठीक है, हो गया। उसके बाद माय डियर फादर मदर, ये आपका सैल्यूटेशन हुआ। उसके बाद में अगला जो होता है आपका ओपनिंग पैराग्राफ होता है, आप लोगों को जो टीचर्स ने बताया है वैसा। मैं तो हमारे स्कूल के बच्चों को पैराग्राफ दे चुका हूँ और उनको बोलता बेटा ये याद कर लो, म्यूनसिपालिटी के बच्चे होते हैं बड़े प्यारे, बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे सभी अच्छे होते हैं लेकिन होता है उसमें मुमरा के बच्चे जबरदस्त, उसमें मैं भी एकदम कयामत, होता है कहीं ना कहीं प्लस माइनस हो जाता है मेरे यार। उसके बाद में मेन बॉडी ऑफ द लेटर जो भी लिखना है और ये क्लोजिंग पैराग्राफ, और आखिरी में जिस तरीके से आप लोग ईमेल लिखते हो सब, जिस तरीके से आप व्हाट्सएप के मैसेज टाइप करते हो, उधर नहीं जाता है कर्सर, एक के नीचे एक आता है, उसी तरीके से आपको लेटर लिखना है, ईमेल फॉर्मेट में ही लिखना है, काय में लिखना है। और ये 4 चीजें आपको अच्छे से याद रखना है, नेम, बिल्डिंग नेम। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक्सरसाइज कराना चाहूंगा कि वो चीज है, ये आपके सामने रहा एड्रेस, जरा आप लोग एड्रेस लिखकर बताओ मुझे, आपका समय शुरू होता है, लिखिए जरा, पहले पहले ये 6 कंपोनेंट लिख लीजिए। अब तक खड़े रहेंगे बेटा, अल्लाह अकबर, ये रहा एड्रेस, जरा एड्रेस लिख कर दो, कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड, यस ऑफ कोर्स, लेफ्ट हैंड साइड पे जरा एड्रेस लिख दो। और एड्रेस भी आप लोगों का बहुत अच्छे से एक ही सिंथ में जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ एड्रेस सुरेश सीमा जोशी, जो भी है जरा लिख लो, फिर मैं आपका चेक कर लेता हूँ आप लोगों ने सही लिखे या गलत लिखे। एड्रेस लिखने पे कितना मार्क्स है? आधा, आधा कितना हो जाता है? हाँ भैया कुछ लाई नहीं आपने, पेन नोटबुक कुछ भी नहीं लाया उन्होंने। ये बेटा किसकी किसका था ये पेपर का? ले लो आप, आपका सर सप्लीमेंट प्रोवाइड कर दो उनको। हो गया, पेन है बेटा? ये लो पेन लो, अल्लाह अकबर। हो गया, नेक्स्ट ये चेक कर लो आप लोग, ये देखो ऐसी एड्रेस है आपका, देखो यहां पर सीमा जोशी या सुरेश जोशी, ये कॉमा, फ्लैट नंबर 103 कॉमा, साहिदाब सोसाइटी कॉमा, कांदेवली वेस्ट कॉमा, मुंबई नंबर 67 फुल स्टॉप, और डेट ऐसी जाएगी आपकी, डेट ऐसा ही लिखना है,
समझ में आया? अब आपके टीचर्स लोगों ने आपको जो लिखा है वो भी आप लोगों को, अब यहां पर स्टार्टिंग पैराग्राफ ये है मेरा और एंडिंग पैराग्राफ ये है, स्टार्टिंग और एंड पैराग्राफ इस तरीके का है। अब आप लोगों को जो है समझना है, लेकिन मैंने इस तरीके से लिखाया था, शॉर्टकट था। आई गॉट योर लविंग लेटर एंड माई जॉय नो बॉर्न आफ्टर रीडिंग इट। हाउ आर यू डियर? डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन हियर। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के पॉइंट को सॉल्व करना है, एंडिंग कुछ इस तरीके से है। और देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पर ही लिखा हुआ है, यू आर लविंगली सुरेश जोशी। लिखा जो नाम यहाँ पर लिखे वो नाम यहाँ पर भी लिखना है, सीमा अगर यहाँ पर लिखे तो सीमा यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से आपका लेटर रहना चाहिए, डेढ़ डेढ़ पेज का, दो दो पेज का लेटर लिखने की जरूरत, सिर्फ लिखना है। आधा मार्क्स यहाँ पर मिला, 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 आधा 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 डेढ़ हुआ। और यहाँ पर पॉइंट अगर आप सॉल्व करते एक मार्क्स यहाँ पर मिला तो भैया टू एंड हाफ एंड टू हाई टू एंड हाफ बिकम थ्री, घाटे का सौदा नहीं। और अगर आप लोग अच्छे से लिख लेते हो तो साढ़े तीन यानी चार आप लोगों को मिल जाएगा, पांच में से पांच नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? पक्का? ओके। चिंगम वगैरह मत खाओ बेटा, क्योंकि खाना खाते वक्त दिमाग नहीं चलता, पूरा कॉन्सेंट्रेशन दांतों पे रहता है, हकीकत बोल रहा हूं। और मेरा लेक्चर देखने की बजाय सुनने में अच्छा लगता है, और सुनने में जितना फायदा होता है वो चबाने में फायदा नहीं होगा, जिंदगी भर तक चबाते बैठना है बेटा, लोहे के चने वो भी, हकीकत बोल रहा हूं। और मैं और आप लोगों के साथ में थोड़ी देर हूं, उसके बाद में फिर अब के बिछड़े तो शायद किताबों में मिले या ख्वाबों में मिले जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले, वो फिर वाह वाह फटाफट टायर है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है इसके बाद में लिख ले, आप लोग लिख रहे हो ये? अच्छा ठीक है, मोबाइल है? हालांकि अलाव नहीं है, लेकिन एक काम कर लो, अगर मोबाइल है फोटो निकालो, चलो चलो जल्दी एकदम, और आपस में स्कूल में शेयर कर लेना। मेरा नहीं निकालना है, बच्चों को डराने के काम में आएगा बस। हो गया, नेक्स्ट वन प्लीज। क्वेश्चन नंबर पांच का बी होता है डायलॉग राइटिंग या डायलॉग राइटिंग या दोनों में से कोई, दोनों में से कोई फैसला किए क्या? क्या किए? पक्का? गो विद इट, गो विद इट, डोंट वरी। जो भी आप लोगों को लग रहा है आप लोगों को करना है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को पता है कि डायलॉग राइटिंग में पहला आता है जंबल सेंटेंस, दूसरा होता है क्वेश्चन आंसर, और तीसरा होता है सिचुएशन, है ना। सर आ गए, मेरे को डर लग रहा है। सर बच्चे शरारत तो नहीं कर रहे ना? ठीक है, वहां पर स्क्रीन है लगी हुई, और अगर ऐसा कुछ रहा तो आई विल प्रोवाइड यू माई कॉन्टेक्ट नंबर टू यू। आप लोगों से वादा किया हूं मैंने कि वो चार ग्रामर अगर नहीं आया तो पड़ोसी लोगों से आप लोग क्या कराने वाले मालूम है ना। हाँ अच्छी अच्छी है, लेकिन लगना चाहिए मुझे कि मिल रही है करके। हाँ अब बेटा आपको डिसाइड करना है, हकीकत में डिसाइड करना है कि करना क्या है आपको, आपको डायलॉग करना है या स्पीच करना है या क्या करना है। अगर आप लोग डायलॉग करते हो ओके,
लेकिन बहुत ज्यादा सिचुएशन आप लोगों की खराब है, अगर नहीं आ रहे तो आप एक पैराग्राफ याद कर सकते हो क्या? जैसे मिसाल के तौर पर जब हम लोग स्पीच देने शुरू करते हैं तो बोलते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, रिस्पेक्टेड गेस्ट, बिलो टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आगे आ सकता क्या वो? ओके, तो आप लोगों को ये तमाम चीजें करना है। अब वो नहीं हो रहा यार, वो पैराग्राफ में आप लोगों को बोलता हूं कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, रिस्पेक्टेड गेस्ट, बिलो टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम फीलिंग वेरी वेल बिकॉज आई गॉट द चांस टू शेयर माय व्यू इन फ्रंट ऑफ ऑल यू, सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड माय टॉपिक इज डैश। ये हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया, बीच का पॉइंट अलग। उसी के साथ साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों का अलग चीज होती है। तो ये तमाम चीजें आप लोग अगर देखें, मुझे समझ में आ रहा है बेटा कि वो वहां से आप लोगों को दिख नहीं रहा है और थोड़ा सा है विजुअल प्रॉब्लम है, लेकिन डोंट वरी, राइट माय नेम, पता है आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, आप लोग लिख के रख लो, अगर ऐसा कुछ रहा तो आप लोगों को मैं अपनी पीपीटीज वगैरह शेयर कर लूंगा, आप लोग समझ जाओगे। 80 80 80 तीन मरतबा, ठीक है, 80 80 80 69 65, ठीक है, एट जीरो एट जीरो एट जीरो सिक्स नाइन सिक्स फाइव, ओके। चलिए, पड़ोसी लोगों से बोलना है, मालूम है ना, अच्छी अच्छी मिलना चाहिए, लेकिन हाँ। अब देखो ये पैराग्राफ, इसका फोटो निकाल लो आप लोग, ये आपका देखो कितना आसान है बेटा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, जो मैंने कहा, ये अगला पैराग्राफ, फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस थिंग पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो मिनट पहले फोटो निकाल लो, फिर बाद में बात कर लेंगे। प्लीज 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 लेक्चर खत्म कर दूं, बंद कर दूं, पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन पे पहुंचे? क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए मिस बैठ जाइए आप, प्लीज आप जो पेरेंट्स है या टीचर्स है थोड़ा सा बैठ जाओ आप लोग, आप लोग खड़े रहते तो मेरे पैर दर्द करते, ठीक है। नाउ This is for you only. Dialogue writing is also very simple and very easy activity. But आप लोगों के पास में ये ऑप्शन चाहिए, ये भी बहुत आसान है बेटा। देखो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और थोड़ा सा ये आप ही की जबान में, first ये तो पढ़ा दिया मैंने, I would like to tell you that this, अगर कोई चीज के बारे में पूछा, pain, education, है ना, किसके भी बारे में पूछा, चीज के बारे में बोला तो थिंग लिखना है। अगर कोई पर्सन के बारे में पूछा, पर्सन, अम्मी, अब्बू, दोस्त, मेरा दोस्त गांधी जी के बारे में पूछा, तो वो आप लोगों को हो सकता है। अगर कोई डे के बारे में पूछा, कौन सा डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे और एनुअल डे, स्पोर्ट डे, कोई भी डे हो सकता है, लेकिन 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 स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड ही डे पूछेगा आप लोगों का, वो चॉकलेट डे, रोज डे नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहां पर देखो, इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस एंड फॉर आवर लाइफ, बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बैटर।
ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट को सॉल्व करना है और एट द एंड डियर फ्रेंड एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू टेल यू एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड केयर एंड थिंक पॉजिटिवली अबाउट दिस मैटर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट कॉपरेशन. वंस अगेन थैंक्स अ लॉट. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बोलना पड़ेगा, रहते आप लोग और जरूरी भी है. ठीक है, हो गया. ये कितने मार्क्स का है? आप लोगों को इसके अंदर कितने मार्क्स मिल सकते हैं? चार मिल सकते हैं. लेकिन कब? जब आप लोग इसको याद करो. लेकिन मैं अभी से आपको बोल रहा हूं, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं बेटा आपको मैं, और ये बोल रहा हूं बार बार कि प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश एक्टिविटी शीट. आप जितने अच्छे से प्लान करोगे, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा मार्क्स आप लोगों की जेब में इंग्लिश में आएंगे. लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और उससे पहले मैं पहले बोला हूं, जाकर बाहर मार्केट से आंसर शीट खरीदो और आप आपका पूरा एक आउटलाइन तैयार करो कि क्वेश्चन नंबर एक एक पेज पे हो रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर दो दूसरे पेज पर, ए इस तरीके से करो ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप लोगों के सामने आप उस क्वेश्चन पेपर से यूज टू हो जाओ. नहीं तो पता चला कि अरे समरी राइटिंग कहाँ है, ट्रांसलेशन किधर है. ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और हर पेपर की प्रैक्टिस आपको लोगों को होना चाहिए. समझ में आया? अब यह हुआ क्वेश्चन नंबर फाइव खत्म. अब क्वेश्चन नंबर सिक्स जो होता है, आप लोगों में से मुझे बताना है, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर सिक्स होता क्या है. यस मिस मिस बस सर पूछिए बच्चों को, माइक है और गुलाब भी साथ में लेके जाइए सर. आप ही के हाथ से देना है आप. हेलो हाँ सर, सर विलास, सर विलास, सर विलास. पहले आपका नाम? कलामुद्दीन. स्कूल? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. स्कूल कौन सी आपकी? अंजुमने उर्दू हाई स्कूल बदलापुर गांव. अच्छा, सर के गांव की स्कूल है. हाँ सर. ओके ठीक है, क्लैप कीजिए. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, वेरी गुड वेरी गुड. फूल मिल रहा है बच्चे को, वेरी गुड बेटा, शाबाश. अल्लाह ताला तरक्की दे. हाँ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. सर रुकिए दो मिनट. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के अंदर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है वर्बल टू और नॉन वर्बल टू. अब मेरा सवाल ये है कि इसमें होता क्या है? वर्बल किसको बोलते हैं, नॉन वर्बल किसको बोलते हैं? ये जो जवाब देगा उसको दो फूल. नहीं दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट. सर सर पूछेंगे, सर पूछेंगे. हाँ मैं देता हूं ना सर. हाँ सर, सर को साथ में लेके जाइए फूल देने के लिए. सर पहले 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 सवाल का जवाब, व्हाट इज वर्बल एंड व्हाट इज नॉन वर्बल. पहले नाम बोलिए बेटा आपका. मेरा नाम साइमा है. साइमा है, है भी साथ में है कि सिर्फ साइमा है? यस मैं नेशनल उर्दू हाई स्कूल से अंबरनाथ से आई हूँ. वेरी गुड बेटा, बड़े दूर से आए हैं आप अंबरनाथ से. जी बोलिए साइमा. वर्बल में पैराग्राफ और नॉन वर्बल में चार्ट या चार्ट. ओके, यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वर्बल जो होता है पूरा का पूरी कहानी होती है, पूरा पैराग्राफ पैसेज वगैरह लिखा हुआ होता है, और नॉन वर्बल के अंदर आप क्या बोल रही हो बेटा साइमा, वापस से बोलिए प्लीज. जिसमें मतलब पाई चार्ट या चार्ट पैराग्राफ रहता है उसमें उसमें से चार्ट बनाना रहता है. वेरी गुड, साइमा के लिए ताली बजा दीजिए. जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अब यहां पर भी 10 मार्क्स है और 10 में का ऑप्शन है, लेकिन करना कितना है? लेकिन बहुत से अकलमंद बच्चे होते हैं, दोनों भी करके आते हैं. बोले सर दोनों करके आए. चेक कितना होने वाला है? एक होने वाला है. अब देखो यहां पर ये हुआ
मिसबा सर, सवाल मेरा फिर से वापस से कि ये वर्बल है कि नॉन वर्बल? सर पूछ लीजिए, सर सर पीछे, सर 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 कहेंगे, ठीक है शौकत सर? मेरा नाम सभी है, मेरे स्कूल का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है जी, और ये नॉर्मल है। बेटा आप ऐसा जैसे इतने स्पीड से जा रहे हो जैसे आपके पीछे कोई पड़ा है, आराम से जरा जी। मेरा नाम सबीहा है, सबीहा शाहड़ में डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू स्कूल, ये हमारे स्कूल का नाम है जी। बेटा ये वर्बल पेंसिल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये जो क्वेश्चन है कौन सा है? वर्बल है, शबाश शबाश शबाश। घबरा रही थी बच्ची, बोले मैं जल्दी बोलने में वर्बल बोल। जवाब सही है सर, बिल्कुल सही जवाब है बच्ची का। सबिया बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। सबिया एक बात कभी भी जिंदगी में याद रखना बेटा, जब बात करते हैं ना सामने वाले के बारे में सोचने का नहीं, जैसे मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बात करने का, इत्मीनान से बात करने का और अपनी बात रखने का, ना कि सामने वाले का सोचने का, समझे सबिया? तो ये क्वेश्चन कौन सा है? नॉन वर्बल। वेरी गुड, नॉन वर्बल है। बैठो शबाश। हाँ, सबसे पहली चीज ये नॉन वर्बल है। वर्बल के अंदर जैसे साइमा ने कहा था हमें कि सर जो वर्बल होता है उसमें पूरा पैराग्राफ आता है, और नॉन वर्बल के अंदर एक तो टेबल आएगा, एक तो फ्लो चार्ट आएगा, एक तो वेव आएगा, या किसी भी किस्म का कोई भी डायग्राम आ सकता है। अब यहां पर तीन चीजें, समर रेनी और विंटर सीजन, इसका पैराग्राफ हम लोगों को बनाना पड़ेगा, है ना? लेकिन 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 यहां पर फिर आप लोगों को डिसाइड करना है कि हम लोगों को ओके ठीक है, वो उनका काम कर रहे हैं, हम लोग हमारा काम करते हैं जी। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वर्बल से नॉन वर्बल की तरफ जाओ, क्योंकि उसमें आप लोगों को जो है इंफॉर्मेशन वगैरह बहुत आसान तरीके से आप लोग पूर कर सकते हो। लास्ट टाइम जो है डू और डोंट वाला आया था, ये साल अंदर की अंतर आत्मा कह रही है कि टी डायग्राम वगैरह के बारे में कुछ हो सकता है, तो वो आप लोगों को देखना है, ठीक है? अब बेटा देखो ये डू और डोंट वाला, आपको दो 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 बॉक्स बनाना रहेगा, एक में लिखना रहेगा डूज और एक में लिखना रहेगा। लेकिन उससे पहले गार्ड बांध के रख लो आप लोग। पुराने जमाने के अंदर जब हम लोग फिल्म देखा करते थे तो हीरो लोग जो है किसी के खिलाफ बालों की चोटी बांधकर गांठ बांधते थे कि वो ठाकुर को मैं जब तक खत्म नहीं करूंगा जब तक चोटी नहीं काटूंगा, मैं तो कर भी नहीं सकता वो, ठीक है? तो बहरहाल आप लोग जब बात करते हो तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि क्या करना है, व्हाट टू डू। ओके, हमारे अगले लेक्चरर वसीम खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। तो सबसे पहली चीज देखिए, आइए 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 वसीम। आज शोर नहीं करेंगे भाई आप लोग। मैं ए बेटा ए बस हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर है, और मुझे पता है कि अलजेब्रा ज्योमेट्री जैसा सब्जेक्ट बहुत टफ होता है। अगर 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 आप लोग चाहे तो मैं अपने लेक्चर को यहाँ पर रोक देता हूँ और हम लोग अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं। डिपेंड्स ऑन यू ओनली, ठीक है? तो पहले मैं कंप्लीट कर लूँ या शुरू करा देते हैं?
चलेगा? ज्यादा नहीं, हम लोग बहुत जल्द बहुत जल्दी कंक्लूड कर लेंगे। और कंक्लूड हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है अभी? सिक्स हो जाएगा अपना, फिर हमारा 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और उसके बाद में जो है कर लेंगे। चलो देखो, इधर वसीम रहेगा आपके साथ में, टेंशन मत लो है। उसके बाद में एक और अच्छे स्पीकर हमारे दरमियान रहेंगे, हमारे हरदिल अजीज दोस्त मुनव्वर मलिक, जो कि मराठी के बहुत अच्छे स्पीकर है। और तंजीम वालिदैन ने आप लोगों को जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड किए, ठीक है? तो आप लोग पूरा एकदम फायदा उठाइए, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इज मस्ट फॉर दैट थिंग। नाउ आई केम टू माई टॉपिक, दैट इज वर्बल टू नॉन वर्बल, है ना? अब देखो यहां पर पहला सेंटेंस, मिसबा सर बच्ची को पढ़ने लगाइए, नजदीक वाली जो बच्ची रहेगी वो। यस, रीड द फॉलोइंग। नहीं, ये पढ़ो। यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। ओके, शाबाश। सबसे पहली चीज, जब हम लोग बात कर रहे हैं वर्बल टू नॉन वर्बल की, ये चीज आपको याद रखना है कि तीन वर्ड आप लोग लिख लीजिए। पहला वर्ड नॉट, दूसरा वर्ड नो, तीसरा वर्ड नेग्लेक्ट, अगला वर्ड इग्नोर। कितना? कौन कौन सा? नॉट, नो, इग्नोर, नेग्लेक्ट, got it? अगर ये सेंटेंस में रहा तो ये सेंटेंस जाएगा डोंट में, काय में जाएगा? अब पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, बॉयज यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। अब इसके अंदर वर्ब क्या है? वर्ब। मैंने अभी बताया आपको कि ऐसा वर्ड जिसके आखिर में क्या होता है, अफसाना, सुल्ताना, याद आया? क्या था ना? तो पहला वर्ड क्या है, इसमें क्या आया? आपको लिखना है डोंट वेस्ट योर टाइम। क्या लिखना है? अगला सेंटेंस पढ़ते, इसमें नॉट है क्या? नो है? नेग्लेक्ट है? इग्नोर है? नहीं है, है ना? तो अब ये डू में जाएगा कि डोंट में? डू में। अब इसमें वर्ब ढूंढो, वर्ब ढूंढे तो टू के बाद में जो होता है वो वर्ब होता है, तो क्या होगा? गेट। तो पहला कैपिटल वर्ड लिख देंगे और क्या होगा? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखें, यहां पर यू शुडंट, नॉट आया? अब यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए, शुड आए, कूड आए, मस्ट आए, लेकिन नॉट आ गया। क्या आ गया? आपको हमेशा डोंट ही लिखना है, बाकी शुडंट लिखने की जरूरत नहीं। तो यहां पर भी क्या बनेगा? डोंट डिस्टर्ब द स्कूल डिसिप्लिन। नेक्स्ट वन, यहां पर नॉट है? है नहीं है ना? फिर ये डू में जाएगा कि डोंट में? तो क्या बनेगा? ये आर कैपिटल हुआ, क्या बनेगा? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एवरीवन। तो इस तरीके से आप लोग जब डील करोगे, लेकिन इसके अंदर एक चीज आपको याद रखना है, गार्ड बांध लेना है ठाकुर की तरह, है ना? टाइटल लिखना नहीं है। यहां पर आपको 8 8 8 पॉइंट दिए हुए रहेंगे, एक मार्क के लिए टाइटल, टोटल कितना मार्क्स हुआ? 5। और ये रहा आंसर आपके स्क्रीन पर, दिखा? ये बनेगा पहला कॉलम डूज का, डोंट का, और ये दिए हमने टॉपिक का मार्क्स। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका, ठीक है? अब इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 6 का बी, और बी के अंदर आता है, एक तो न्यूज रिपोर्ट राइटिंग आती है, एक तो
स्टोरी राइटिंग आती है, दोनों में से कोई एक ही करना होता है। अब न्यूज रिपोर्ट राइटिंग के पॉइंट आप लोगों को पता है, डेडलाइन, इंट्रोडक्शन या शॉर्ट कंटेनिंग पैराग्राफ। ये सवाल मैं बताता हूं आपको, ये रहा अपना सवाल, एक्सपांड द थीम 5 मार्क्स के लिए, स्टोरी राइटिंग या न्यूज रिपोर्ट राइटिंग। यहां पर भी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है न्यूज रिपोर्ट की तरफ ही जाइए। ये आसान होता है, बहुत आसान होता है, आप लोग कर सकते हो। अब बेटा देखो, यहां पर एक हेडलाइन आपको दी हुई रहती है, 10 किल्ड इन बस एक्सीडेंट, दिखा हेडलाइन, डेडलाइन, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट कंटेनिंग पैराग्राफ। अब हेडलाइन तो यही लिखना है आपको पेपर में जो दी हुई है, डेडलाइन भी बता देता हूं मैं क्या होता है डेडलाइन। डेडलाइन ये होता है, डेडलाइन के अंदर 4 कंपोनेंट, पहला प्लेस यानी जगह, दूसरा मंथ, तीसरा डेट, और चौथा जो होता है रिपोर्टिंग एजेंसी। अब देखो कैसा, ऐसा यहां पर मैंने लिखा हूं 10 किल्ड इन बस एक्सीडेंट, यहां पर देखो ये स्मॉल में लिखा हुआ है, काय में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर जब हम लोग आगे गए तो यहां पर मैंने काय में लिखा हो, क्या लिखा हो, 10 किल्ड इन बस, काय में लिखा है। अब ये जो है डेडलाइन, ये एक लाइन छूट गई, डेडलाइन एक्सप्रेस न्यूज सर्विस कॉमा, मैं हमेशा ये लिखता हूं, उसके बाद में जगह का नाम, डेट, मंथ का नाम और ईयर, ये फुल स्टॉप, ये आपका एक लाइन छूट गया। अब यहां पर आप लोगों को जो है इंट्रोडक्शन के अंदर 5 सवालात करना है, कितने सवालात करना है, 5। पहला सवाल लिखो अच्छे से हु, पहला सवाल लिखो हु, दूसरा सवाल लिखो वैन, वैन डब्ल्यू एच ई एन वैन, अगला सवाल लिखो वेयर, अगला सवाल वेयर, अगला सवाल हाउ, और अगला सवाल अगर एक्सीडेंट और कोई प्रोग्राम वगैरह है तो हाउ मैनी, उसको स्टार बना दे। कितने सवालात के जवाब देना है, 5। पहले हु, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हाउ मैनी। अब ये सवालात के जवाब, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 10 किल्ड इन बस एक्सीडेंट है ना। अब यहां पर देखो जवाब, हु अ बस, हाउ डाइड डायरेक्टली टू अ ट्रक, हाउ मेनी कॉज द डेथ ऑफ 10 पैसेंजर, वेयर नियर खंडाला, वैन यस्टरडे मिडनाइट। देखो हु, वैन, वेयर, हाउ एंड हाउ मेनी का जवाब हो गया। ये था इंट्रोडक्शन। अगला पैराग्राफ जो रहेगा इसी को बड़ा करना है, इसी को बोलते हैं एलोब्रेशन। और अनसीन पैसेज के अंदर मैंने कहा जितने भी एलोब्रेशन रहेंगे उसको क्या करना है, आपको कट करना है। अब देखो ये पूरा डिटेल में हुआ, अ बस वॉज गोइंग टू पुणे टू मुंबई, इट डैश टू अ ट्रक विच कॉज द डेथ ऑफ 10 पैसेंजर्स एंड 7 वर डेडली इंजर्ड, ऑल ऑफ देम वर टेकन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोनावला, ट्रैफिक पुलिस हैव रिकॉर्डेड द केस and they have been investigating the case, thus 10 killed in a tremendous bus accident। yahi sawalat ke jawab, who, when, where, how, usi ke jawabat ko aapne thoda sa second paragraph mein kya kar diya, bada kar diya। yahan par aapko 1 mark milna hi milna hai, agar aap itna likh kar aate ho 1 mark, who, when, where and how ka jawab likhte hain yahan par 1 mark, aur thoda sa ispe bada dete ho aadha mark wahan par, yani ki 5 mein se 3 aapko milna hi मिलना है। समझ में आया अच्छे से। जब हम लोग आगे बढ़े तो ये ट्रांसलेशन होता है, क्या होता है,
ट्रांसलेशन में भी एक बात याद रखना, आप लोग अकलमंदी का मुजाहरा करते हो बेटा, इंग्लिश के अल्फाज, इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या लिखना है? ट्रांसलेशन वर्ड लिखना है, नंबर अच्छे से डालने का और डाल देने का सिर्फ। तो आप लोग क्या करते हो, लिखते हो हैप्पी, फिर उसके मीनिंग, लिखे लाइफ फिर उसके मीनिंग, फिर लिखे विलेज उसके मीनिंग, नहीं। आपको ये लिखने पे मार्क्स मिलेंगे कि वो लिखने पे मार्क्स मिलेंगे? तो फिर क्या लिखना है, वो लिखना है कि ये लिखना है? और जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी चार सेंटेंसेस रहेंगे, किसी दो को ही करना है, यहाँ पर दो रहेंगे, कोई एक ही करना है। As you sow, so shall we reap. जैसी करनी हो गया। अब यहां पर हम अपने आप को थोड़ा रोकते हैं, ठहरते हैं। अब आप लोगों का समय शुरू होता है। अभी तक तो सिर्फ वो डायलॉग था, आज तक तुम बोलते रहे और मैं सुनता रहा, अब तुम बोलेंगे और मैं सुनूंगा। मिसबा सर, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप बिंदास पूछ सकते हो, कर सकते हो, ठीक है? यस, एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट, प्लीज आस्क मी। पूछना है आपको? हाँ सर, मेरा नाम आगे आ जाओ। हेलो। हाँ बेटा, आपने बोले कि ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन स्टेटमेंट लिखना होता है ना बेटा। मैंने ये भी सवाल किया कि अगर आप स्टेटमेंट लिख देते हो और ट्रू और फॉल्स नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेगा? अगर आपको मार्क्स मिलेगा तो आप लिखिए, मुझे नहीं लगता मिलेगा। इंग्लिश का पेपर बेटा बहुत बड़ा होता है, हमको टाइम बचाना है उसके अंदर, 3 घंटे के अंदर। अगर इंग्लिश के पेपर को अगर हम लोग देख लेते हैं तो आधा घंटा तो हमको पेपर पढ़ने में और समझने में हो जाता है, पेपर पढ़ने और समझने में हो जाता है, समझे? मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, मार्क देने के लिए तो बैठे हुए बेटा टीचर, हम लोग कसाई नहीं होते, मार्क काटने के लिए नहीं देने के लिए बैठे होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मुझे नहीं लगता सर कोई क्वेश्चन रहेगा, सब बच्चे एकदम वेल प्रिपेयर्ड है एकदम। ये बच्ची पूछना चाह रही है, साइमा ना, अमरीन, ओके, यस अमरीन। आवाज नहीं आ रही अमरीन। ग्रामर के क्वेश्चन लिखना जरूरी होते? क्वेश्चन लिखना कोई भी जरूरी नहीं होता, सिर्फ आंसर लिखना जरूरी होता है। क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो आप? क्वेश्चन लिखने का मतलब ही नहीं आया, सिर्फ आंसर लिखना है, क्योंकि हम लोग एग्जामिनर के पास में बेटा क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन उसके पास में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, आपके क्वेश्चन देखकर हम क्या करेंगे, सिर्फ आंसर लिखना है। हाँ, थैंक यू सर। वेरी गुड अमरीन। हाँ अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, नाम आपका? मोहम्मद तैयब। तैयब साहब बोलिए। सर ये जो न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है तो उसके अंदर जो भी न्यूज़ रहा है तो डेट अपनी मर्जी से लिखना है या फिर जो रियल में एक्सीडेंट हुआ उसका डेट लिखना है? बेटा उसके अंदर जो रियल एक्सीडेंट वाली न्यूज़ ही नहीं होती है। मतलब खुद से डेट लिखना है यहाँ पर। आप जो है मान लो मार्च महीने के अंदर आ रहा है या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे अगर वहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड आ गया तो आपको पता है कि रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट होता है 26 जनवरी को होता है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है ना, टीचर्स डे 5 तारीख को होता है, तो आपको वो मुनासिबत से डेट लिखना पड़ेगा, अपने दिल और कलेजी से लिखने की जरूरत नहीं। उसके अलावा अगर कोई आता है तो आप लिख सकते हैं। ओके सर, शुक्रिया जी।
एक एक करके 8:36 पर मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, है ना सर जी? हाँ बेटा, कहा है? हाँ बोलो जी, आपका नाम? मेरा नाम अलसा है। ये अच्छा। जो स्पीच दिया रहता है उसको पॉइंट लेके लिखना रहता है। क्या क्या वापस से बोलो अच्छे से। ये जो स्पीच दिया रहता है लिखने के लिए उसमें पॉइंट लिखना रहता है, क्वेश्चन बनाना रहता है, उसको पॉइंट लेके लिखना रहता है। वेरी गुड बेटा, जाहिर सी बात है आपको पॉइंट इस्तेमाल करते हुए ही लिखना पड़ेगा उसको, लेकिन आपके टीचर्स लोगों ने जो आपको फॉर्मेट दिए है आप पहले वो लिखिए, ऐड उस तरीके से कीजिए। जरूरी नहीं कि पूरे पॉइंट आप लिखो, ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको पॉइंट। 2 मिनट, उधर है शौकत सर, रुक जाओ। हेलो। हाँ बेटा, प्लीज समरी एक्सप्लेन कीजिए ना। बेटा तुम आए नहीं थे, मैंने आपको पहले बताया कि समरी के अंदर क्या करना है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, फिर भी एक मरतबा और सुन लीजिए आप कि समरी राइटिंग करते वक्त आपको कुछ बातों को याद रखना है। पहली बात, अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसको पूरा जवाब होने दो, उसके बाद में आपका सवाल लिया जाएगा, है अपने बाद में टाइम। मैंने पहले बोला कि अभी तक मेरे को सुने, अभी आप लोगों से सुनना है। पहले नाम बोलो बेटा आपका। लाइबा। लाइबा, ओके लाइबा। समरी राइटिंग करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात आपको ये याद रखना है कि समरी का टाइटल आपको देना है। जैसे आपने टाइटल दिए आप 1 मार्क्स के हकदार बन गए। उसके बाद में आपको पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ चुके हो, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद में उसको ऑर्डर लगाइए, और ऑर्डर लगाने के बाद में उसको लिखिए। अब उसमें से कट आपको करना क्या है, कट सबसे पहले आपको करना है उसके अंदर जितनी भी एग्जाम्पल दी हुई रहेगी वो कट करना है, जितने भी इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंसेस दिए हुए वो कट करना है, जितने भी रेफरेंसेस दिए हुए हैं वो कट करना है, और जितने भी एलाबरेशन वगैरह दिए हुए हैं वो कट करना है, और आपकी समरी जो है सिर्फ और सिर्फ 1 पैराग्राफ पे होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ 2 मिनट बोलो। पापर जी, जी जी बिल्कुल जरूरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगाओ ना आप। कितना टाइम लगता है आपको? कॉमा से मुराद कहानी खत्म नहीं हुई, चल रही है पिक्चर अभी। हाँ जी सर। हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आगे आ जाओ आप, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। निकालो निकालो, एरिक करो। क्या सर अभी देखो क्या कॉपी किया क्या? रुक जाओ सिर्फ 5। हाँ हेलो सर, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? जो जो आपको अच्छा लगे, आप ही का स्टाइल है, आप ही का तरीका है, और आपको जो कंफर्टेबल फील होता है वो आपको लिखना है। हम लोगों की, एग्जामिनर्स लोगों की ऐसी कोई चॉइस नहीं होती है कि यही लिख कर दो। आप जिसमें कंफर्टेबल फील कर सकते हो, जिसमें कॉन्फिडेंस आपको है, आप वो सॉल्व कीजिए। फॉर्मल का फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट आपको देखना है, आपने फॉर्मल लिखने का बोले है जी, ठीक है। तो मैं आपको लेक्चर होने के बाद में आपको, और किसको किसको फॉर्मल देखना है? इतने लोगों को फॉर्मल लेटर देखना है? क्यों क्यों इनफॉर्मल क्यों नहीं? टीचर बोलते हैं कि इनफॉर्मल में ज्यादा मार्क्स कटते हैं। बिल्कुल गलत बोलते हैं टीचर्स लोग। मैं बोलता हूँ जिसमें अच्छा रहता है वो लिखो आप लोग।
ठीक है, अगर आपको इनफॉर्मल का फॉर्मेट देखना है तो मैं बता देता हूँ आपको। और एक एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, मेरे देखने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग जो है यूट्यूब पे जाओ और मेरा नाम टाइप करो, वहां पर लेटर राइटिंग, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और ग्रामर का एडिक्वेशन टैग वगैरह के मेरे वीडियोस है, वहां पर आप लोग जाकर अच्छे से देख सकते हो। और अगर आपको और भी अच्छे से देखना है तो खान एकेडमी के अंदर भी मेरा लेक्चर है, वहां पर भी मैंने वसीम के चैनल पर भी लिया हूँ, वहां पर भी आप लोग जाकर देख सकते हो। जी रुको, आ रहे आपके पास में आते, आपके पास में भी आते, टेंशन मत। एक हर बच्चे का बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ सर, प्लीज पाई चार्ट एक्सप्लेन करिए। पाई चार्ट आपको नहीं आएगा, पाई चार्ट सिर्फ आपको जो है जो आएगा तो आपको नॉन वर्बल से वर्बल के लिए आएगा। तो अपना फैसला क्या हुआ है कि हम लोग जो है वर्बल से नॉन वर्बल पे जाने वाले हैं। पाई चार्ट नहीं आएगा आपको, बिल्कुल नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो मत कट करे उसको। हाँ बस ओके। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम, नजर नहीं आ रहे कहाँ है। जी बोलो सर, ये ड्राफ्टिंग और डायलॉग राइटिंग में मतलब ज्यादा मार्क्स किस में अचीव कर सकते हैं बिना मिस्टेक्स के? अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है तो आप डायलॉग राइटिंग के अंदर ज्यादा मार्क्स ले सकते हो एज कम्पेयर टू स्पीच राइटिंग। और सर ये लेटर्स में, लेटर जो होता है लेटर राइटिंग जी, उसमें कितने पैराग्राफ लिखना कंपलसरी होता है? बेटा ज्यादा से ज्यादा दो पैराग्राफ, उससे ज्यादा मत लिखो। मैंने पहले ही कहा कि 5 मार्क्स का आपका लेटर है जिसके अंदर जो हम लोगों का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एड्रेस पर आधा मार्क्स, सैल्यूटेशन पे आधा मार्क्स, एंडिंग पे आधा मार्क्स और मेन बॉडी ऑफ द लेटर पर मार्क्स, तो वो हिसाब से होता है। पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप किस तरीके से लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप क्या लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। जज़ाकअल्लाह सर। आमीन सुम्मा आमीन। और ठीक है, अगर अगर अब आपको अगला कोई क्वेश्चन पूछना है सर, यहाँ आ रहे आपके पास में आ रहे, जब तक आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा मैं नहीं जाऊंगा। सर ये बच्चा पूछना चाह रहा है, खड़े हो जा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बार बैड न्यूज का समझा एक्सप्लेन करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग में बैड न्यूज। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? काजिम। हाँ काजिम, काजिम साहब यूट्यूब पे जाइए, काजिम काजिम शेख काजिम यूट्यूब पर जाइए, मेरा नाम टाइप कीजिए, वहां पर मेरा बहुत प्यारा लेक्चर है न्यूज रिपोर्ट राइटिंग पर, उसको देख लीजिए। अगर फिर समझ में नहीं आया तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास में है, फिर मुझे पूछ लेना। थैंक यू। ओके इनफ, ओके नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मैं जब बोलूंगा जब। जी इंग्लिश इंग्लिश से अबाउट कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आपने एक बार बोले थे कि चुटकुले सुनाएंगे। मैंने कहा बोला था? बोले थे। नहीं हाँ बोले थे मैंने। अच्छा ठीक है, मैंने मैंने दो सुनाया ना। नहीं एक और बार मैंने बोला था, एक मैंने कहा। हेलो वो बच्चों, आप लोग से मैं गुजारिश की गई थी कि अगर आप लोग बोर होते हैं तो मिसबा सर आपको चुटकुले सुनाएंगे, लेकिन माशाल्लाह आप लोग तो बहुत रिफ्रेश लग रहे हैं अभी। आप लोग जब बोर होंगे तो मिसबा सर सुनाएंगे, ठीक है? वो हशमत सर ने नहीं बोले थे, शौकत सर ने बोले थे। मैंने आपसे बोला था कि मिसबा सर चुटकुले सुनाएंगे और हशमत सर फूलों की बरसात करेंगे, ठीक है? तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है?
इंशाल्लाह सेशन करने का है, लेकिन लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, ये सेशन हम लोग खत्म करने जा रहे हैं, तो 10 मिनट में और कुछ भी पूछने का हसमत सर से तो आप बात कर लीजिए। अगर आप ऐसा कहेंगे कि डिस्टर्ब करेंगे तो चुटकुले तो डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे चुटकुले के लिए, तो आप बहुत अच्छी ऑडियंस है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसे ही खामोश बैठो, शाम में लेक्चर जब छूटेगा आपको पूरे चुटकुले सुना दूंगा, ठीक है? यानी अशमत सर, शौकत भाई दावत दे रहे हैं उनको गड़बड़ करने की, क्योंकि उनको चुटकुले सुनना है तो गड़बड़ करेंगे। अच्छा, लेकिन अशमत सर ने पहले ही तारीफ किए कि तंजीम वालदैन ने इतने प्यारे प्यारे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया है कि बड़े डिसिप्लिन के साथ आप लेक्चर सुन रहे हैं, और मुझे हकीकत में ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं आपके बीच में पहली बार आया हूँ, मुझे तो लग रहा है कि अपना बहुत पहले का साथ। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट टाइम, और अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल अगर है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के पास में है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ओके? तो थैंक यू सो मच एंड जज़ाकअल्लाह। क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन है उसका? शौकत सर, उसका क्वेश्चन है बच्ची का, किस ये लास्ट क्वेश्चन? हाँ, वालेकुम सलाम बेटा, मेरा नाम सनोबर है और मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब अगर आप हमको पंचुएट द फॉलोइंग करने का है तो कैसे करेंगे सर? क्यों कर रहे हो आप, जब आपके पास में वही दाम वही सफेदी कम दामों में मिले तो ये क्यों ले वो ना ले? अगर दूसरा मतलब कभी बाय चांस नहीं समझा तो? नहीं, बाय चांस का मतलब ही नहीं, आपके पास में छह क्वेश्चन ऑलरेडी है बेटा, छह क्वेश्चन जब है तो उसके अंदर हम लोग कहीं ना कहीं गलती करते ही, तो क्यों करने का? उसमें कैपिटलाइजेशन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, अंडर कॉमा, ये तमाम चीज़ें रहती है, तो उससे बेहतर है ना काय के लिए दिमाग पे जोर देने का, हमको ज़्यादा मार्क्स हासिल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा आपके पास में 4 महीने रहेंगे, जब और अच्छे से प्रैक्टिस करना, अभी हमको मार्क्स कमाना है, क्योंकि जितने अच्छे मार्क्स हमारे आएंगे उतना अच्छा कॉलेज हमको मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिसबा सर। ठीक है।